स्टार्ट करते आवाज आ रही सही। तो लास्ट टाइम हम कैशेस को डिस्कस कर रहे थे, बल्कि हमने ऑलमोस्ट कैश वाला सेक्शन कवर कर लिया है। जस्ट क्विक रिव्यू अगर हम करें तो हमने कहा था मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी तक हमने प्रोसेसर बनाया है उसमें मेमोरीज हमने बहुत छोटी छोटी लगाई एंड हम चाहते हैं कि वो बड़ी हो जाए, मगर जब मेमोरीज बड़ी होती हैं तो वो स्लो हो जाती हैं क्योंकि उनका रीड मार्क्स जब आगे बड़ा लगता है तो ज़्यादा साइकिल लेता है। इसके लिए फिर क्या कर सकते हैं कि हम फास्ट भी रखें और बड़ी भी रखें, तो उसका तरीका होता है कि आप दरमियान में एक छोटी कैश लगा लें और मेन मेमोरी में से जो सा डाटा यूज़ हो रहा है वो कैश में उठा के रख लें। ठीक है, सो दैट वॉज द मेन थीम बिहाइंड कैश। ठीक है, सो अगर कैश में मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो फिर आप मेमोरी से जाकर उठा लें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अराउंड 90-95% ऑफ द टाइम हमें कैश में डाटा मिल जाता है। 5% ऑफ द टाइम अगर नहीं मिलता तो हम प्रोसेसर को रोक देते हैं और मेमोरी से जाके फेच कर लेते हैं। ठीक, बाद में हम और तरह के प्रोसेसर भी पढ़ेंगे जिनमें हमें रोकने की ज़रूरत नहीं होती, अगर कैश मिस हो जाए हम आगे वाली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने से। फिर इनमें भी हमने कहा था कि दो तीन तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एक ये कि कैश में डाटा को किधर प्लेस करें उसके हिसाब से, जिसको हम प्लेसमेंट पॉलिसी कहते हैं, कि अगर मैं कैश से एक ब्लॉक फेच करके लाया हूँ तो क्या मैं कैश में कहीं पे भी रख सकता हूँ। अगर मैं ये पॉलिसी रखूँ तो इसको हम कहते हैं फुली एसोसिएटिव कैश, कि कहीं पे भी रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे भी रखेंगे तो फिर जब सीपीयू कहेगा कि मुझे डाटा चाहिए तो हमने पहले कैश में देखना होगा। कैश में देखने के लिए हमें तमाम जगहों पर जाकर देखना पड़ेगा कि ये वही वाला ब्लॉक पड़ा है जिसका मैं इंतजार कर रहा या जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ, या कोई और ब्लॉक पड़ा है। तो तमाम में देखने के लिए बहुत सारे कंपैरेटर लगेंगे और वो प्रैक्टिकली फिर वायबल नहीं रहता कि हम फुली एसोसिएटिव कैश बनाएं, अनलेस के कैश बहुत छोटी हो। तो हम देखेंगे कि फुली एसोसिएटिव तभी बनाते हैं जब कोई 32 से कम वैल्यूज़ की हो या 64 से कम की हो, तब हम बात स्पेशल केसेस में बना देते हैं, अदरवाइज हम किसी और तरीके से बनाते हैं। किसी और तरीके में हमने क्या पढ़ा, एक तरीका हो सकता है कि हम एक मैपिंग डिफाइन कर लें कि हर एड्रेस जो मेमोरी का है वो हर ब्लॉक जो कैश का है मेमोरी का है वो कैश की फिक्स किसी ब्लॉक पर ही मैप हो। ठीक है, और उसका एक तरीका हमने पढ़ा कि हम मॉड ले सकते हैं, लेकिन देर कैन बी अदर वेज एज वेल, आप कोई हैश टेबल भी बना सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ बना सकते हैं कि भाई जिसमें आप बताएं कि ये वाला ब्लॉक नंबर मेमोरी का है तो आपका जो भी एल्गोरिदम है वो बता दें कि अच्छा कैश का कौन सा ब्लॉक नंबर। इसको हम कहते हैं डायरेक्टली मैप्ड कैश। ठीक है, क्योंकि कैश छोटी है मेमोरी बड़ी है तो एक जगह पे बहुत सारे ब्लॉक्स मैप हो रहे होंगे इवेंचुअली, और जब बहुत सारे ब्लॉक्स मैप हो रहे होंगे तो उससे कुछ प्रॉब्लम भी आएंगी। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि अब जब भी आपके पास कोई आएगा, सीपीयू ने एक एड्रेस दिया, उस एड्रेस के अंदर आप निकाल सकते हैं ब्लॉक नंबर क्या, आपने जाके सीधा कैश में देखा, एक ही जगह पर देखा कि यहाँ पर वो ब्लॉक नंबर पड़ा हुआ या नहीं पड़ा। अगर नहीं पड़ा हुआ तो इसका मतलब है कैश में नहीं है डाटा, अगर पड़ा हुआ, क्योंकि अब वो फिक्स एक ही जगह पर मैप हो सकता था, तो आपको बहुत सारे कंपैरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कंपैरेटर से काम चल जाएगा। जस्ट रीड दैट ब्लॉक, उसको कंपेयर कर लेंगे वहाँ पर हमारा टैग मैच करता है कि नहीं, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्टली मैप। लेकिन इसमें मसला क्या आता है, राइट तो होता रहे जहाँ मर्जी, मल्टीपल ब्लॉक्स सेम जगह पर मैप हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट आ सकता है कि आपकी एक जगह को दो ब्लॉक इस जगह पर मैप हो रहे, तो आप क्योंकि आप एक ही ब्लॉक रख सकते हैं कैश में तो दूसरा ब्लॉक कैश में नहीं होगा, तो उस जब वो नहीं होगा तो उसकी वजह से कैश मिस आएगी, कैश मिस आएगी और वो डाटा फेच करके लाएंगे तो उसकी वजह से पहला आउट हो जाएगा, तो फिर जब उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे फिर कैश मिस आएगी। तो हो सकता है एक की वजह से दूसरा मिस हो जाए, दूसरे की वजह से पहला, और काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट मिसेज आने शुरू। इसको रिजॉल्व करने के लिए फिर हमने पढ़ा था सेट एसोसिएटिव कैश, कि आप फिक्स जगहों पर मैप जरूर करें लेकिन जिस जगह पर मैप करें वो एक के बजाय मल्टीपल जगह रख लें, और इस केस में हमने जिस तरह दो दो जगह रखी हुई, तो अगर एक ब्लॉक जीरो नंबर पर मैप होता है तो आप एक ब्लॉक पर रखवा देंगे, दूसरा मैप होता है तो आप उसके साथ वाले पर लिखवा देंगे। तो ये हमने लास्ट टाइम किया था, और फिर हमने इसका पढ़ा, ये पूरा प्रोसेस देखा कि एड्रेस आता है तो उस एड्रेस की एक्चुअली शुरू की कुछ बिट्स बता रही होती हैं कि उस बाइट कौन सा उठाना है अपने डाटा के पूरे ब्लॉक्स में से, जिस तरह अगर 32 बाइट्स का ब्लॉक है तो ये 5 बिट आपकी इसमें निकल जाएंगी। उसके बाद वाली बिट्स जो हैं वो इंडेक्स कर रही होती हैं कि किस जगह पर जाकर रीड करना है, यानी कि ये वो मैपिंग फंक्शन है, मॉड लेना है तो आप ये वाली बिट्स उठा लें।
और बाकी की जो बिट्स बचती हैं वो आप सेव करके रखते हैं एज अ टैग कि भाई अगर ये मैच होती हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर डाटा पड़ा है या नहीं पड़ा। और यही वाला काम फिर हमने देखा सेट एसोसिएटिव, वो तो आपको दो जगहों पर चेक करना पड़ेगा, तो दो कंपैरेटर चाहिए होंगे, ठीक है, लेकिन दो तक या चार तक कंपैरेटर तक ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर मसले में आना शुरू हो जाए। फुली एसोसिएटिव में आपको हर जगह से कंपेयर करना पड़ेगा, इस वजह से ये अमूमन इस्तेमाल नहीं होती। और हमने जो एंड हमने ये वाला देखा था कि ये कैश प्लेस किस जगह पे हो रही है, जो अभी तक हमने आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया तो उसमें हमने कहा था कि जहाँ पर हमने प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी लगाई थी प्रोसेसर में, अब वहाँ पर प्रोग्राम कैश और डाटा कैश पड़ी हुई है, ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन कैश कहते हैं प्रोग्राम कैश के बजाय, तो इंस्ट्रक्शन कैश और डाटा कैश पड़ी है, और अब बाय डिफॉल्ट लेट से कैश हिट ही हो रहे हैं तो बस बिल्कुल वैसे ही चल रहा होगा जिस तरह पहले चल रहा था, सिर्फ फ़र्क इसमें आएगा कि जब कैश मिस हो जाए, क्विज मिस कर दिया आपने, लेट हो गए, चले कोई बात नहीं, तो कैश मिस अगर हो गई तो फिर क्या होगा कि हम प्रोसेसर को रोक देंगे और मेमोरी को से जाकर फैच करके ले आएंगे, प्रोसेसर को दोबारा रिज्यूम कर देंगे, और सेम चीज़ होगी डाटा कैश में कि अगर यहाँ पर मिस हुई तो अब आपको दूंगे। सो काइंड ऑफ ये पूरा काम करने के बाद अब हमने जो चीज़ अचीव कर ली वो ये अचीव कर ली कि पहली एम था कि प्रोसेसर ऐसा बना लें जो कि सी की इंस्ट्रक्शंस को काइंड ऑफ सपोर्ट करता हो, वो हमने बना लिया। फिर हमने कहा उसको फास्ट कर लें, हमने उसको पाइपलाइन कर दिया, और पाइपलाइन किया तो उससे मसले आए, उन मसलों को फिक्स कर दिया। तो उसके बाद अब हमने अगला जो हमारी विश लिस्ट में चीज़ थी वो थी मेमोरी बड़ी कर लें, तो हमने कहा मेमोरी बड़ी करने से चीज़ स्लो हो जाएगी, मसला आ जाएगा, तो हमने कैश बना दी। और कैश में जो मसले आते हैं कि अच्छा बहुत से कंपैरेटर लगेंगे, हमने कहा अच्छा चलो डायरेक्टली मैप बना देते हैं, डायरेक्टली मैप से कन्फ्लिक्ट मिसेस का मसला आता था, हमने कहा सेट एसोसिएटिव बना दे, सेट एसोसिएटिव से दोनों मसले हल हो गए, हमने कहा चलो ठीक है किसी ठीक जगह तक पहुँची। सो ये काइंड ऑफ चीज़ सारी कवर कर दी है, मैं थोड़ा सा स्पीड पे जाऊंगा जो पढ़ जाए। फिर हमने राइट की एक एग्जांपल पढ़ी थी कि राइट जो होता है वो दो साइकिल में होता है, क्योंकि पहली दफ़ा पहले तो आप मैच करेंगे कि वाकई पढ़ा भी हुआ है ये ब्लॉक या नहीं, तो राइट में ये मसला था कि जब हम डायरेक्टली राइट इनेबल नहीं दे सकते इन कैश लाइंस को, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर वो वाला टैग ना पड़ा हो, रीड में तो आपने एड्रेस देना है इधर से डाटा आ जाएगा, राइट में आपको इसको राइट इनेबल भी देना है, राइट इनेबल दिया तो इधर लिखा जाएगा, लेकिन अगर ब्लॉक कोई और पड़ा हुआ तो आपने किसी गलत ब्लॉक में लिख दिया तो ये हम नहीं कर सकते, तो इसलिए राइट में आप पहले टैग रीड करते हैं और अगर वो मैच करे तो राइट इनेबल जनरेट करते हैं और लिखवाते हैं, तो इसमें दो साइकिल लग जाते हैं। इन दो साइकिल्स को अवॉइड करने का तरीका हमने पढ़ा था कि हम इनको पाइपलाइन कर सकते हैं कि टैग से रीड करें, अगर उधर पड़ा हुआ है तो हिट जनरेट करें और उस डाटा और एड्रेस को अपने पास सेव कर लें, और अगली दफ़ा जब आपने राइट करना है तो इनको राइट करवा दें और पीछे वाले को आप कर लें, पीछे वाले को इसके अंदर लिखवा दें, यानी कि हर दफ़ा जब भी स्टोर है तो आप इसके अंदर लिखवाएं, इधर से टैग हिट होगा, राइट एक साइकिल बाद भी हो जाए तो हमें मसला नहीं है। और इस केस में हम एक साइकिल बाद क्या, हम जब अगली दफ़ा राइट आएगा तब इसको राइट कर देंगे और जो नया डाटा आ रहा होगा वो इन दो रजिस्टर से उसको फिल कर देंगे। तो ये एक तरह से पाइपलाइन कर दिया जिससे हमारा चीज़ तेज़ हो गई। सीरियल पैरेलल कैश ये तो छोटा सा टॉपिक था, रैम टैग कैश पढ़ा हमने, फिर उसके बाद ये हमने कहा था कि अगर आप पावर बचाना चाहें तो एक काम ये हो सकता है कि बजाय सारे पाथ्स में पैरेलल में चेक करें, आप टैग्स पहले चेक कर लें और अगर टैग में हिट होता है तो फिर उसके बाद डाटा को रीड या राइट करें। और जहाँ तक हम आखिर में पहुँचे थे वो काइंड ऑफ यहाँ तक हम पहुँच गए थे मेरा ख्याल है कि हमने ये वाला प्रोसेसर की एक रियल प्रोसेसर की एग्जांपल डिस्कस कर ली थी और मल्टी लेवल कैश भी डिस्कस कर ली थी कि प्रैक्टिकली होता ही है कि वो मैंने एक इंस्ट्रक्शन कैश होती है, एक डाटा कैश होती है और पीछे एक यूनिफाइड लेवल टू कैश होती है, और नॉर्मली हम करते ही हैं कि इनको एज फास्ट एज पॉसिबल बनाते हैं, यानी कि उतनी बड़ी कैश लगा दें जो कि आपके लेट से आप 1 GHz पे प्रोसेसर को मैक्सिमम चलाना चाहते हैं, तो 1 GHz में जितना बड़ा इधर आप लगा सकते हैं जो एक साइकिल में ऑपरेट कर सके वो लगा दें, और पीछे L2 कैश उसकी नस्बत बड़ी लगा दें, जो क्योंकि L2 कैश में आपके 3-4 साइकिल तो ज़ाया होंगे तो आप उधर अब उसको बड़ा लगा सकते हैं, तो यहाँ पर बड़ी कर दें लेकिन यहाँ पर आप सिंगल साइकिल रख लें तो ये अमूमन इस तरीके चले। L2 बड़ी होती है, L2 इज काइंड ऑफ जिस तरह आपकी मेमोरी होती है ना, उस तरह मेमोरी के बजाय दरमियान में आपने एक और लेवल बना दिया कि लेवल 1 के बाद लेवल 2 में देखो, लेवल 2 में नहीं मिस हो जाता है तो मेमोरी में देखो, और बास का आप लेवल 3 तक भी ले जाते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमने काइंड ऑफ कर लिया था।
अगेन दो चार छोटे छोटे टॉपिक इसके अंदर रह गए हैं जो कि इंडिपेंडेंट ही हैं एक दूसरे से, लेकिन कैश के को पढ़ते हुए हमें ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। सो पहली चीज़ है कि जब हम एसोसिएटिव कैश बनाते हैं, यानी फोर वे सेट एसोसिएटिव या टू वे सेट एसोसिएटिव कैश बनाते हैं, उसमें आपको मल्टी वे सर्च करनी पड़ती है, यानी सारे वेज पे, यानी अगर आपने चार सेट बना दिए तो हर सेट को इकट्ठा आप एड्रेस देंगे, वहां से दोनों से डेटा और टैग बाहर निकलेंगे, उनको कंपेयर करेंगे और फिर उसमें से डेटा, तो ये कह लो कि एनर्जी एफिशिएंट नहीं है इतना। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी हमने डाली क्यों थी, मतलब हम डायरेक्टली मैप पे क्या मसला आ रहा था जिस वजह से हम गए थे, कन्फ्लिक्ट आ रहे थे, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए हमने एसोसिएटिविटी बढ़ाई थी। एसोसिएटिविटी की वजह से पावर एफिशिएंसी का मसला आ रहा है, सो इसको ख़त्म करते हैं तो फिर कन्फ्लिक्ट का मसला आ जाएगा। ठीक है, तो उसका एक दरमियाना रास्ता है जिसको हम कहते हैं विक्टम कैश। ठीक है, और एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं वे प्रोडिक्शन। सो ये भी काइंड ऑफ एक छोटा सा स्मार्ट सा तरीका है, इसमें आप ये कहते हैं कि यार डायरेक्टली मैप में अगर करूँगा कैश को तो कन्फ्लिक्ट साथ हो सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं होगा कि हर लोकेशन पे कन्फ्लिक्ट आ जाए, किसी किसी जगह पर होगा कि कभी किसी किसी कैश के ब्लॉक में इस तरह होगा कि वहां पर कन्फ्लिक्ट आ रहा है, कि वहां पर जब एक से ज्यादा ब्लॉक्स मैप मैप होंगे। ठीक है, तो आप करते ही हैं कि आप कहते हैं कि जब भी कन्फ्लिक्ट की वजह से कोई चीज इधर से इवेक्ट होगी, ठीक है, तो आप उसको मेमोरी में लिखवाने के बजाय ना आप एक विक्टम कैश में लिखवाते हैं। ठीक है, तो आप एक छोटी सी कैश लगा देते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। ठीक है, तो लेट से आपने चार या आठ की विक्टम कैश लगा दी, कि आपने ज्यूम किया कि यार एट मैक्स चार जगहों पे कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो चार जगहों पे कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, तो आपने कहा कि यार मैं चार की कैश लगा देता हूँ जो कि फुली एसोसिएटिव है। ठीक है, क्योंकि चार के अंदर फुली एसोसिएटिव इतना मस्ता नहीं है, चार कंपेरिजन ही है। ठीक है, सो हमने चार की फुली एसोसिएटिव कैश लगा दी, और जो भी चीज कन्फ्लिक्ट की वजह से बाहर निकली है वो इसके अंदर सेव कर दी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो जो कन्फ्लिक्ट मैसेज आते थे वो अगर आ भी गए तो चीज बाहर नहीं गई, बल्कि वो आपने एक छोटे से सब यूनिट एक्स्ट्रा रखा हुआ है विक्टम कैश का, जिसके अंदर डंप कर दिया। तो जब भी सीपीयू ने एड्रेस करना है तो वो L1 को भी एक्सेस करेगा, लेकिन अगर उसको L1 में नहीं मिलता तो वो विक्टम कैश को भी एक्सेस करेगा। ठीक है, सो आप एड्रेस जो है L1 को भी दे दें, विक्टम कैश को भी दे दें। सो अगर इधर मिस हुआ है और इधर हिट हुआ है तो आप इधर से उठा लें। ठीक है, सो यानी काइंड ऑफ ये किया कि हमने बजाय पूरे के पूरे को चार चार जगह रखने के, फोर वे एसोसिएटिव बनाने के, हमने एक छोटी सी विक्टम कैश लगा दी जो कि तीन चार अगर क्लैशेज आ भी रहे हो तो उनको रिजॉल्व कर लेगी। ठीक, तो इसको हम कहते हैं विक्टम कैश। ठीक है, और ये काफ़ी स्मार्ट सा कॉन्सेप्ट है इस लिहाज से कि आपको फुली एसोसिएटिव भी नहीं बनानी पड़ी और बहुत बड़ी एक्स्ट्रा चीज़ भी नहीं लगानी पड़ी, एक छोटी सी चार रजिस्टर लगा दिए और वो फुली एसोसिएटिव बना। वेब प्रडिक्शन एक और तरीका है, उसमें आप ये करते हैं कि आप जो ये स्पेशली ये जो इंस्ट्रक्शन फेच में यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में आप जंप करके एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं, मतलब तरतीब से चल रहे होते हैं और उसके बाद जाना, तो आप अमूमन ये करते हैं कि एक वे प्रडिक्शन टेबल आपने रखा होता है जिससे आप प्रडिक्ट करते हैं कि किस तरफ जाएंगे, और आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप ये कर सकते हैं कि दोनों की सपोर्ट डाल दें। ठीक है, या आप ये करते हैं कि वे प्रडिक्शन टेबल से आप इधर जाते हैं कि किस जगह पर जाना था और उस जगह से डाटा उठाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो इसमें काइंड ऑफ फिर आपका अगर प्रडिक्शन गलत हो गई तो ठीक है, वो आपको पेनल्टी पड़ेगी, लेकिन अगर प्रडिक्शन ठीक हुई तो फिर आपको जल्दी डाटा मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा और टॉपिक है, अर्ली रीस्टार्ट और क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट। ठीक है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हम अगर ब्लॉक साइज बड़ा कर दें तो उसके कुछ फायदे होते हैं। ठीक है, लेकिन साथ साथ हमने फायदे क्या थे कि भाई क्योंकि मेमोरी पैरेलल में लगी होती है तो उसमें आप ज़्यादा डाटा इकट्ठा फेच कर सकते हैं, लेकिन पहला डाटा फेच करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ब्लॉक फेच करें तो आपको फायदा है। लेकिन जब आप ब्लॉक साइज बड़ा करते हैं इसका ये मतलब भी है कि आपको आपके जब आपका कैश मिस होगी तो आप प्रोसेसर को रोकेंगे और एक ब्लॉक फेच करके लाएंगे, उसको कैश में फिल करेंगे। अब वो ब्लॉक अगर 16 बाइट्स का था
तो वो जितना टाइम ले रहा था उसके बजाय अगर 32 बाइट्स का हो तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसका मतलब है कि प्रोसेसर को रीस्टार्ट जो मैंने करना है वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा अगर मैंने ब्लॉक बड़ा लगा दिया, ठीक है। तो प्रोसेसर ज़्यादा दे रहा है डिले, ये बात समझ आ रही है ना, कि मिस के केस में क्या करते हैं आप जाके मेमोरी से उठा के लाते हैं, वो एक पूरा ब्लॉक फेच करके कैश में ले आते हैं, और कैश में लाने के बाद प्रोसेसर को कहते हैं भाई तुम दोबारा लोड की इंस्ट्रक्शन दो, आप मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ब्लॉक बड़ा है तो वो फेच करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटा है तो वो फेच करने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन ब्लॉक बड़ा करने के कुछ फ़ायदे भी हैं, ठीक है, कि मेमोरी बैंडविड्थ अच्छी यूटिलाइज होती है। तो इसके दो तरीके फिर लोग यूज़ करते हैं, एक है वो कहलाता है अर्ली रिस्टार्ट। अर्ली रिस्टार्ट ये है कि भाई जो अगर ये पूरा ब्लॉक था जो आप फैच कर रहे थे, लेकिन आपको इसकी ये वाली बाइट चाहिए थी असल में, ठीक है, तो जब आपने मेमोरी कंट्रोलर को कहा कि भाई ये ब्लॉक फैच करो, तो उसने पहले ये बाइट फैच की, फिर ये की, करते करते ये पूरी फैच कर रहा है, तो जैसे ही आपके काम की बाइट आ गई है, आप पूरा ब्लॉक फैच होने का इंतजार ना करें, आपके काम की बाइट आ गई है, तो वो आप सीपीयू को देख कहेंगे भाई तुम रिस्टार्ट हो जाओ, ठीक है, तुम्हारे काम का डाटा आ गया, और पीछे मेमोरी कंट्रोलर पैरेलल में लगा हुआ है, वो बाकी की बाइट्स फिल करता रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अर्ली रीस्टार्ट, ठीक है, कि बजाय पूरा ब्लॉक फेच करने के आप क्या करें कि एज सून एज रिक्वेस्टेड वर्ड ऑफ ब्लॉक अराइव्स सेंड इट टू सीपीयू एंड लेट सीपीयू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन, क्योंकि सीपीयू को रोक कर रखना हमारे लिए डिजायरेबल कभी भी नहीं है, हम चाह रहे होंगे कि सीपीयू जो है ना वो चलता रहे और वो काम, क्योंकि जो अभी तक हम प्रोसेसर इनिशियल डिज़ाइन करने के बाद जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो ये है कि तेज़ से तेज़ काम हो सके, ठीक है, तो सीपीयू रुका रहेगा तो हमारे साइकिल पर इंस्ट्रक्शन बढ़ते जाएंगे ना, क्योंकि आप रुका हुआ है तो वो भी उसमें काउंट होंगे कि भाई आपको मैंने चार इंस्ट्रक्शन दी थी, आप बीच में पांच इंस्ट्रक्शन रुके रहे, ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, और एक और इसी इसका तरीका एक और भी है, वो ये है कि क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट, वो एक अप्रोच ये है कि आप कर तो पूरा ब्लॉग ही फेच रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके काम की बाइट आई है या वर्ड आया तो आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक और तरीका ये है कि आप कहते हैं कि मेमोरी से सिर्फ ये वाली बाइट या वर्ड पहले रीड कर लो, ठीक है, और सीपीयू को रिस्टार्ट कर दो और मेमोरी कंट्रोलर को कहो कि यार वो इसको फिल करता रहे, ठीक है। सो उससे क्या होगा, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट, कि जिसकी वजह से सीपीयू को रोका हुआ है वो वाला वर्ड आप पहले फेच कर लें, ठीक है, सीपीयू को पहले कह देंगे भाई तुम ये वाला वर्ड मुझे दे दो, और वो उसको फैच करके, मतलब आप बेसिकली मेमोरी को दो दफ़ा फिर एक्सेस कर रहे होंगे, एक दफ़ा सिंगल एक्सेस उसकी लेटेंसी लगेगी, दूसरी दफ़ा आप ब्लॉक पूरा रीड करेंगे जिसका अलहदा से आपको होगा, तो मेमोरी के ऊपर थोड़ी सी ट्रैफिक बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने मतलब ब्लॉक के अंदर तो ये वैसे ही आ जाना था, आपने उसके अलावा एक सिंगल रीड एक्स्ट्रा की, लेकिन फ़ायदा क्या है कि सीपीयू जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, सीपीयू फौरन ही स्टार्ट हो जाएगा एक रीड करके स्टार्ट, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट, के रिक्वेस्ट द मिस्ड वर्ड फर्स्ट फ्रॉम द मेमोरी एंड सेंड इट टू सीपीयू एज सून एज इट अराइव, देन सीपीयू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन व्हाइल फिलिंग द रेस्ट ऑफ वर्ड इज व्हाइल फिलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इन द ब्लॉक। तो वो जो वर्ड फिल करने हैं वो तो मेमोरी कंट्रोलर ने करने हैं, वो पीछे से उतरेंगे, आप सीपीयू कंटिन्यू हो जाएगा, नहीं ये दो फर्क चीज़ें, एक में ये है कि आपने पहले ये वर्ड नहीं फेच किया, आपने ये कहा था कि ब्लॉक ही पूरा फेच करो, वो ब्लॉक में ये वर्ड हो सकता है आखिरी हो तो आपको कोई भी गेन नहीं हुआ, हो सकता है पहला हो तो आप उसी वक्त रिस्टार्ट हो गए, दरमियान में हो तो आपने कुछ देर वेट की, क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट में चाहे आखिरी था या पहला था, आपने लेट से आखिरी था, आपने कहा कि पहले तो मुझे ये वर्ड फेच करके दे और सीपीयू को रिस्टार्ट करो, मेमोरी कंट्रोलर को कहा कि यार तुम बाकी का ब्लॉक फिल करते, उसने फिर आगे बाकी, ये फर्क थोड़ा सा मतलब है, सिमिलर मकसद एक ही अचीव कर रहे हैं लेकिन फर्क है, काम जो है उसमें फर्क है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ यूज होती है जिसको हम कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग कैश, कि अभी कैश मिस हुई अगर तो हमने कहा है कि सीपीयू को रोक दो और मेमोरी से फैच करके लाओ और दोबारा स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो दिस इज़ अ ब्लॉकिंग कैश, कि ये कैश को आपने एक ही रिक्वेस्ट देनी है, कैश रुक जाएगी, मतलब सीपीयू को रोक देंगे, बाद में हम थोड़े से ऐसे प्रोसेसर पढ़ेंगे जिनमें हम कहेंगे सीपीयू को रोकने की जरूरत नहीं, सीपीयू आगे की इंस्ट्रक्शन चलाता रहे, इसका वो जब डाटा आएगा तो इसको आगे से कंटिन्यू कर लेगा, ठीक। अच्छा, उन प्रोसेसर्स में फिर ये एक डिज़ायरेबल चीज़ है कि अगर मैंने कैश को एक लोड वर्ड का कहा था और वो मिस हो गई है तो मैं मजीद कैश को दोबारा कोई और कह सकता हूँ कि एक और लोड वर्ड आ गया तो मैं कैश को कहूँगा भाई मुझे बता दो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग कैश, कि जब एक रिक्वेस्ट आई हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि कैश ब्लॉक हो गई है, बल्कि आप
कैश को मज़ीद रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, और अगर वो हिट हो गया तो कैश आपको कह देगी कि ये डाटा आ गया, आप इसको उठा लें। जो पिछला वाला मेस है उसको जब तक फैच करिए, उसके पैरेलल में ये फंक्शनैलिटी भी है कि आप फर्दर कैश को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं हिट अंडर मिस, कि अगर आप मिस में थे और उसको फैच कर रहे थे, स्टिल कैश इज़ फंक्शनल, कैश ऐसी आपने बनाई है कि वो अभी भी काम कर रही है, उसको मजीद रिक्वेस्ट आ सकती है, ठीक है। और बाज़ का मतलब, और कितनी आ सकती हैं, अगर एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट, मतलब दो मिस हो गए उसके बाद आप फर्दर हिट की मुझे, तो इसमें एक लिमिट आ जाएगी ना, आप कहेंगे यार नहीं मैं तीन चार रिक्वेस्ट तक तो सर्विस कर सकता हूँ, इतना मैंने बफर रखा हुआ अपने पास, उससे आगे नहीं कर सकता। तो इसको हम कहते हैं हिट अंडर मल्टीपल मिस, कि कितने मिस तक आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जितने मिस करते हैं आप उसके हिसाब से बताते हैं कि यार मैं इतने मल्टीपल मिस कर सकता। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है कि आपका प्रोसेसर को नहीं रोकना पड़ता। प्रोसेसर अगर ऐसा आपने बनाया हुआ है कि जिसको लोड वर्ड मिस हो गया तो आप स्टिल आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, वो चलता रहता है। लेकिन नुकसान ये है कि ऑब्वियसली कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सो आपको कैश के अंदर सपोर्ट डालनी पड़ेगी, कोई फाइव फोर लगाना पड़ेगा या कुछ रजिस्टर लगाने पड़ेंगे रिक्वेस्ट अपने पास। जिस तरह पेंटियम प्रो जो है ना, वो चार आउटस्टैंडिंग मेमोरी मिसेस सपोर्ट करता है, यानी आप हिट अंडर मल्टीपल मिस सपोर्ट करता है, और लेकिन वो अप टू फोर, कि चार मिस भी हो जाए वो स्टिल प्रोसेसर चलता रहता है और आप फर्दर उसको कैश को रिक्वेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं कर सकता वो कि पाँच नहीं पीछे तो सिक्वेंशियल, वो भी हमने हम देखेंगे कि आप पैरेलल में भी इंस्ट्रक्शन फेच कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनमें काइंड ऑफ लोड वर्ड वाली तो सिक्वेंशियल होंगे, हाँ हाँ, मतलब इस वो पैरेलल भी हो सकते हैं, हमें मतलब कैश को तो से कैश दो पैरेलल में कमांड ले सकती है, नहीं इस पर डिपेंड करता। तो अमूमन मेमोरी यूनिट आपका एक ही लगा होता है, वो सिक्वेंशली ले रही होती है कमांड, तो सिक्वेंशली कमांड लेगी तो वो एक एक करके आ रही होंगी और वो मिस हो जाएंगी, लेकिन प्रोसेसर को रोकने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे चलता रहे मजीद कैश को भी, क्योंकि कैश इज़ बेसिकली तो एक अलहदा से ब्लॉक है ना, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रोसेसर ऐसा भी लगा हो सकता है जो कि रुक जाता हो जब भी कैश मिस हो, ठीक है, तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी लगा हो सकता है जो कि चलता रहता हो मिस के अंदर भी, तो अगर मिस के अंदर चलते रहने वाला प्रोसेसर है, जिस तरह पेंटियम है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर है, उसके अंदर आप ये कर सकते हैं, तो वो दोबारा आपको कोई और लोड वर्ड भी दे सकता है और वो भी मिस हो सकता है, ठीक है। तो उसको हिट अंडर मल्टीपल मिस पर क्रे जो है वो 2048 आउटस्टैंडिंग मिसेज जो है ना, वो सब 2000 में से क्रे इज बेसिकली सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो क्रे वन जो है वो पहला सुपर कंप्यूटर था। ओके, प्री फैचिंग एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगेन मतलब आज के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने कहा था कि इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो मतलब कैश तो हमने पढ़ ली क्या होती है, उसकी एसोसिएटिविटी और वो चीज़ें भी देख ली, लेकिन अब उसके अंदर छोटी मोटी और क्या एडिशन हो सकती है। सो प्री फैचिंग ये है कि आप स्पेकुलेट करने की कोशिश करें कि फ्यूचर में आपको क्या एक्सेस करनी पड़ सकती। अभी तक जो हमने बनाया है वो तो हमने सिंपल ये किया ना कि आप जब एक दफ़ा मिस होती है तो एक ब्लॉक क्रिएट करके ले आते हैं, जिससे हमने कहा था कि टेम्पोरल और स्पेशल लोकेलिटी वाली जो चीज़ थी कि भाई वो दोबारा यूज़ करना हुआ वो भी मिल जाएगा, उसके आसपास वाले भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या डाटा चाहिए होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक इमेज को प्रोसेस करें, सो आपने लूप लगाया हुआ एक आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 1000, आई प्लस प्लस, और दूसरा जे इज इक्वल टू जीरो जे लेस, तो आप एक तरतीब से एक्सेस करें, आप पहले ये पूरा एक्सेस करते हैं, फिर अगली रो, फिर अगली रो, इस तरह से एक्सेस करें, तो ये एक तरतीब से आप एक्सेस करें। बेसिकली मेमरी में ये एक सीधी पड़ी होगी ये अरे, ठीक है, यहाँ पर तो टू डायमेंशनल है जिसमें आप बिल्कुल तरतीब से शुरू से एंड तक जाना चाहते हैं, ठीक है, या लूप लगाओ, तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि यार जो चीज़ मैं फेच करने जा रहा हूँ अगला मुझे क्या चाहिए होगा। सो अगर मैं ये ब्लॉक फेच करके ले भी आया हूँ तो मुझे पता है कि अगला ब्लॉक मुझे इसके फ़ौरन बाद चाहिए। अगर अभी जो कैश लगी हुई है वो अगले ब्लॉक के लिए कुछ नहीं करती, वो क्या करती है कि वो जब ये पहला मिस होगा ये ब्लॉक फेच करके ले आएगी, जब करते करते मैं इस जगह पहुँचूंगा यहाँ पर एक और मिस आएगा, फिर ये ब्लॉक फेच हो जाएगा, इस पर कोई मिस नहीं आएगा, अगले ब्लॉक में पहुँचूंगा तो यहाँ पर मिस आएगा। तो अभी इस तरीके चल रही है कि आपका ब्लॉक फेच हो रहा है, लेकिन आप
फ्यूचर में एंटिसिपेट नहीं कर रहे, स्पेकुलेट नहीं कर रहे कि भाई मुझे बाद में क्या ब्लॉक चाहिए हो सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस अनलेस के ब्रांच और वो इंस्ट्रक्शन जो है उनमें आप वापस आते हैं, लेकिन उसके अलावा आपका प्रोग्राम सीक्वेंस में चल रहा होता है। सीक्वेंस में चल रहा होता है तो अगर आपने ये 10 इंस्ट्रक्शन किए हैं तो इससे आगे वाली इंस्ट्रक्शन आपको जरूर चाहिए होंगी, तो आप पहले से गैस कर सकते हैं कि हाँ यार आगे वाली मुझे चाहिए, तुम पहले से ले। तो इंस्ट्रक्शन में ये स्पेशली ट्रू है, लेकिन डाटा में भी ये, जब आप लट से इमेज की एग्जाम्पल दी तो ये डाटा था, तो इसमें भी ये करनी पड़ सकती है, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन एक्सेस ज़्यादा इजी है प्रेडिक्ट करने के लिए, और डाटा एक्सेस जो है वो हमेशा सिक्वेंशियल नहीं होती, लेकिन कभी कभार सिक्वेंशियल होती है और ऑन प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अच्छा, इसमें भी दो तीन तरह की प्री फैचिंग हो सकती है। एक ये है कि आप हार्डवेयर में सपोर्ट डाल दें कि हार्डवेयर खुद ही प्री फैच करके ले आया करे, ठीक है। एक है कि आप सॉफ्टवेयर में कोई इंस्ट्रक्शन दे दें, हार्डवेयर वो इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता हो, कि आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बता दिया करें कि यार ये वाला ब्लॉक अभी फैच करके लाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे बाद में चाहिए हो सकता है, ठीक है। तो एक है सॉफ्टवेयर प्रीफेचिंग, और फिर आप इनके मिक्सचर भी बना सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में कुछ काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जो मेन चीज़ है ना, जब आप प्रीफेचिंग करते हैं ना, सो उसमें आपको जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। अगर मैं लेट से ये इमेज रीड कर रहा था, तो जब मैं इसको यूज़ कर रहा था पैरेलल में किसी तरह ये आ जाए तो अच्छी बात है, जब इसको यूज़ कर रहा था तो पैरेलल में अगला आ जाए बैक एंड पे बगैर प्रोसेसर को रोके तो अच्छी बात है, तो मुझे कैश मिस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे कितने साइज़ का डाटा चाहिए होगा और मुझे कब चाहिए होगा, ये प्रोडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसको हम कहते हैं कि टाइमलीनेस जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ज़्यादा डाटा फैच कर लिया तो फिर मैं मेमोरी के ऊपर बर्डन डाल रहा हूँ, अगर मैंने काम किया तो मुझे फिर भी थोड़ी देर बाद मिस आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी टाइमिंग जो है ना कि कितना, क्योंकि आप प्री फैच कर रहे हैं तो आप मेमोरी को यूज़ करें ना, तो मेमोरी पे आप मेमोरी की बैंडविड्थ को इस्तेमाल करें तो ये इट हैज़ टू बी डेल्ट विद इंटेलिजेंटली, कि आप उसमें कोई एक्स्ट्रा काम ना करें, ठीक है। अच्छा, उसमें होता यह है कि मेरा ख्याल है इससे आगे वाले में ले जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो आपकी, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है कि आपका प्रोग्राम जो है सीक्वेंस में चलता है, और आपने अगर एक ब्लॉक मंगवाया है इस वक्त, लेट से कि मैं एक प्रोग्राम रीड कर रहा था शुरू में मिस हुआ, मैंने ये ब्लॉक मंगवा लिया, तो प्री फैचिंग में हार्डवेयर में अगर हम कर रहे हो ना, तो हमने एक, इसको हम कहते हैं स्ट्रीम बफर, तो हमने एक और बफर रखा होता है साथ, हम एक के बजाय दो ब्लॉक फैच कर लेते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक को तो कैश में लिखवा देते हैं, एक ब्लॉक को आप स्ट्रीम बफर में लिखवा देते हैं। अच्छा, जब आपका ये वाला ब्लॉक पूरा यूज़ हो जाता है, मतलब आपकी इंस्ट्रक्शन एक एक करके आगे जाते गए और फिर आप इस वाले ब्लॉक की इंस्ट्रक्शन में आ गए, तो ये भी फैच हुआ हुआ है, ठीक है, तो आप इसको कैश लाइन में मूव कर देते हैं और स्ट्रीम बफर में नया डाटा फैच करके ले आते हैं, ठीक है। यानी कि आपने शुरू में दो ब्लॉक फैच कर लिए, सो ये जीरो नंबर ब्लॉक, यानी पहला मिस इधर हुआ तो आपने सिर्फ ये ब्लॉक फैच नहीं किया बल्कि आपने एक एक्स्ट्रा ब्लॉक भी फैच कर लिया कैश में, ठीक है, ये आप स्ट्रीम बफर में पड़ा हुआ है। जब आप इधर से करते गए यहाँ से क्रॉस करेंगे तो कैश में मिस हो जाएगी लेकिन स्ट्रीम बफर में एंट होगी, इसका मतलब है आप यू शुड स्वैप इट, कि आप स्ट्रीम बफर कैश की एंट्री बन जानी चाहिए और कैश की एंट्री स्ट्रीम बफर बन जानी चाहिए, तो आप उससे अगला ब्लॉक पैरेलल में इधर फैच करना शुरू कर देंगे। सीपीयू भी इस पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन पैरेलल में अगर ये डाटा आ जाएगा तो अब आपको मिस नहीं करना पड़ेगा जब आप इधर आएंगे, क्योंकि एक मिस भी जो होता है ना वो कॉस्टली पड़ता है, एक मिस पे भी आपको 40-50 साइकिल की पेनल्टी पड़ती है ना, तो आप जितने मिस बचा सकें उतना अच्छा है। मिस हम कहते हैं तो ये है कि 95% या इतना हिट रेट है, लेकिन वो जो 5% मिस है उसकी पेनल्टी ठीक ठाक है, हिट पे आपको एक साइकिल पड़ता है, मिस पे आपको 30। इसलिए हमने जब मेमोरी एक्सेस टाइम निकाला था एग्जाम्पल में, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, तो हमने देखा था कि अगर आप हिट रेट 90% का भी अज्यूम करें या 95% का भी अज्यूम करें, स्टिल आपको सिंगल साइकिल नहीं बल्कि 1.5 या 2 साइकिल ऑन एवरेज मेमोरी एक्सेस हो रही। सो ये समझ आ गया कि आप क्या कर रहे होते हैं कि एक ब्लॉक एक्स्ट्रा ले आते हैं, ठीक है। ये स्पेशली क्योंकि ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन तरतीब से चलना है तो वहाँ पर आपके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है। नहीं, जब भी आपने शुरू में एक दफ़ा मिस हुई ना और आप पहली दफ़ा इसको फिल कर रहे थे, तो पैरेलल में उससे अगला वाला ब्लॉक आपने इसमें भी रीड कर लिया, यानी कि इसको भी रीड कर लिया, अगला वाला ब्लॉक आपने इधर भी रीड कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि अगला वाला ब्लॉक इस जगह पर अवेलेबल है,
ठीक है। तो अब ये होगा कि थोड़ी देर बाद जब आप इंस्ट्रक्शन चलती 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 अगले ब्लॉक में पहुंचेगी तो आप इसको कैश लाइन बना देंगे और कैश लाइन को स्ट्रीम बफर बना देंगे, ठीक है। और इधर से आप उससे अगले वाला ब्लॉक यूज कर लेंगे, आपको फौरन मिल गया सीपीयू को, सीपीयू को इंतजार नहीं करना पड़ा इंस्ट्रक्शन फेच में, लेकिन क्योंकि आप L2 पे जाना ही नहीं पड़ा, और साथ ही अगला ब्लॉक आपने फेच करके ले आए ताकि अगली दफा भी आपको इंतजार ना करना पड़े। फिर जब ये वाला खत्म होगा तो इसको मूव कर देंगे और इसको स्ट्रीम ओवर में उसको फिल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह काइंड ऑफ आप पिंग पोंग सा कर सकते हैं इनको कि एक में फिल कर रहे हो और दूसरे में लिखवा रहे हो, और इस तरह हमेशा आप एक ब्लॉक लुक अहेड कर रहे होंगे और इंस्ट्रक्शंस में ये काफ़ी काम की चीज़ है, आपके कैश मिस बच जाएंगे, ठीक है। और डाटा प्रीफेचिंग जो है ना वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शन तो तरतीब से होती है, डाटा ज़रूरी नहीं होता, डाटा में आप आगे रैंडमली एक्सेस ज़्यादा कर रहे होते, लेकिन डाटा में भी अमूमन आप बाज प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं कि आप वन ब्लॉक लुक अहेड कर सकें, और बाज प्रोसेसर ये भी सपोर्ट करते हैं कि आप एन ब्लॉक लुक अहेड कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर मैंने इसको कॉलम वाइज एक्सेस करना था तो मैं पहले इसको पढ़ूंगा फिर उससे अगली वाली लोकेशन को पढ़ूंगा, तो वो पहली लोकेशन ये है, अगली वाली मेमोरी में कहीं आगे पड़ी हुई है क्योंकि इतनी लोकेशन के बाद पड़ी है ना, तो वहां पर फिर आप अगर इस तरह से एक्सेस कर रहे हो मेमोरी को तो फिर आपको एक्चुअली वन ब्लॉक आगे नहीं जाना बल्कि एन ब्लॉक आगे से फेच करके लाना है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं एन ब्लॉक लुक अहेड, ठीक है। सो बाज प्रोसेसर इसको भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नॉर्मली मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये वाले जो लुक अहेड वाले हैं ना ये हम बाद में पढ़ेंगे DSP प्रोसेसर्स, जिनमें नॉर्मली कैश नहीं लगी होती बल्कि वो मेमोरी को एक्सेस करने की कुछ ऑप्टिमाइजेशन लगी होती है, वहां पर उमूमन ये लुक अहेड ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। हम उनको अलहदा से एक पढ़ेंगे VLIW आर्किटेक्चर, वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड आर्किटेक्चर, वो एक टॉपिक होगा, एक प्रॉब्ली एक लेक्चर उस पर होगा 3 घंटे का, तो वो जब हम पढ़ेंगे तो उस पर हम देखेंगे कि DSP प्रोसेसर का कैसा आर्किटेक्चर होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये जो हम पढ़े हैं अभी तक ये RISC प्रोसेसर पढ़ा ना, जो डेस्कटॉप प्रोसेसर है उनका भी इससे फर्क होता है, वो भी हम देखेंगे क्या होगा, वो हम पहले पहले वो पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस पढ़ेंगे जो डेस्कटॉप प्रोसेसर में नॉर्मली यूज होते हैं। ओके अच्छा, बहुत सारी जगह कम्युनिकेशन रडार हर जगह पे यूज, आपके पास ऑप्शन होती है आप DSP प्रोसेसर पे इम्प्लीमेंट कर लें, आप जनरल पर्पस प्रोसेसर पे इम्प्लीमेंट कर लें चीज़ को। यार ये स्लिप होता जा रहा है फॉर सम रीज़न, अच्छा इसके नीचे क्योंकि ये रखा हुआ मैम ही क्योंकि अवस्था है। ओके ओके, अगर हम सॉफ्टवेयर में प्री फेचिंग करें तो हम क्या करेंगे कि सॉफ्टवेयर में कोई इंस्ट्रक्शन होगी जिसके थ्रू आप कहेंगे कि यार अगर इस वक्त मैं ith एलिमेंट को सम कर रहा हूँ तो अगली आइट्रेशन में मुझे i+1 चाहिए, तो मैं पहले से ही कह दूँ कि यार i+1 को प्री फेच कर लो, ठीक है, कैश में ले आओ किसी तरह, ठीक है। तो ऑब्वियसली नीचे कुछ हार्डवेयर सपोर्ट होगी इस प्री फेच के लिए। अब इसमें क्या मसला होगा, इसमें क्या मसला आ सकता है अगर मैं ये करूँ, ये समझ तो आ रहा है ना क्या करें, कि आपने एक लूप लगाया जिसमें आपने ai और bi को मल्टीप्लाई करना था और एक जगह क्यूमुलेट किए जा रहे हो, यानी कि दो वेक्टर थे, पहले दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया सम रखा, उसी सब में अगले दो को मल्टीप्लाई करके रख दिया, उससे अगले दो कर दिया करते 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 एंड तक, यानी कि उन दोनों को पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया, काइंड ऑफ फिल्टरिंग या कोरिलेशन का एक टैप जो होता है ना जो हम निकाल रहे थे वो है। तो उसमें हमने किया क्या कि हमने कहा कि भाई हम जीरो वाले नंबर वाले को जब एक एरे के जीरो नंबर वाले एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो पैरेलल में वन वाले को बुला लें। सो इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस में, क्या ये फेल हो सकता है, कब हो सकता है कैश पे अगर चलना है इसने तो? नहीं, डेटा डिपेंडेंसी नहीं, मतलब ये क्या ये चलेगा, चलेगा तो नहीं चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती पोटेंशियली, आप हमने जो अभी तक आर्किटेक्चर एन पे तो कोई खास नहीं है, एन तो
वो तो एट्रेशन जितनी भी हो जितना फर्क नहीं। प्री फेच ने पीछे क्या करना है कि रैम से उठा के कैश मिलाना डाटा को, ठीक है, कि इसको पहले ही कैश मिल जाओ ताकि हमें कैश मेट में। इसमें क्या परफॉर्मेंस जो हमारी इंप्रूव करने के लिए हमने प्री फेच लगाया था ना, कि हम जब इसको एक्सेस कर रहे हैं तो इससे अगले वाला ऑलरेडी एक्सेस कर लें, तो वो प्री फेच करें ताकि अगली आइट्रेशन में हमें वो मिल जाए और अगली में हम उससे अगला प्री फेच कर लेंगे। आई प्लस वन है ना, तो जब जीरो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वन को प्री फेच कर लिया, जब वन को मल्टीप्लाई करने से पहले टू को प्री फेच कर लिया, टू को मल्टीप्लाई करने से थ्री। तो समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है प्री फेच कर लेंगे, अभी पहले से आपने हार्डवेयर को कहा कि यार इसको कैश में ले। चलो एन तक लेट से एक चेक लग सकता है कि एन वाले को प्रीफेच ना करें, लेकिन अगर उसने कर भी लिया तो आप उसको यूज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, वो तो इतना बड़ा मसला नहीं। मसला इसमें यह है कि जब आपने प्रीफेच किया एक अगला, ठीक है, ये तो एक इंस्ट्रक्शन है ना, ये एक और इंस्ट्रक्शन है, ये दो तीन इंस्ट्रक्शन का कम्बिनेशन हो, क्या उतनी देर में मेमरी से वाकई फेच होके कैश में आ जाएगा? क्योंकि हमने कहा था मेमरी जो है वो कुछ टाइम लेती है, ठीक है, वो टाइम हो सकता है 30 साइकिल हो, 40 साइकिल हो, ठीक है। सो अगर वो 40 साइकिल लेती है और यहाँ से यहाँ तक का कोड जो है वो 10 साइकिल में चल जाता है, ठीक है, तो एक्चुअली आप इसके बाद जब पहुँचेंगे तो आपको डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी वो 40 साइकिल पूरे ही नहीं हुए, ठीक है, तो आपको स्टिल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली पता होगा इतने साइकिल लगते हैं और आप उतना प्री फेच कर लें, ठीक है, उतना आगे से फेच कर लें, ठीक है, तो फिर ये चल सकता है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, मतलब मैं एक सॉफ्टवेयर लिखने वाला हूँ, सी का कोड लिखने वाला हूँ लट से, तो मुझे क्या पता नीचे जो मेमोरी लगी हुई है वो मेमोरी सिस्टम में कैश का कितना डिले है, जनरली हमें नहीं पता होता ना ये जब हम सी का कोड लिख रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो असल चीज़ है ना वो ये है कि कितने आगे से लुक अहेड करना है, ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग, कि आपने कितना आगे से लुक अहेड करना है। अगर आपको एग्जैक्टली नोन है, अगर आपने थोड़ा ज़्यादा अर्ली कर लिया, जिस तरह पिछली एग्जांपल में था कि आपने एक आगे से कर लिया, ठीक है, तो अब आप इंतज़ार करके बैठे होंगे क्योंकि वो मेमोरी से आया ही नहीं होगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा दूर से कर लिया स्टिल आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो फैच ही नहीं हुआ होगा अभी और आप आगे पहुँचोगे, दोनों केसेस में मुश्किल है। तो ये एक्चुअली आपको अगर एग्जैक्टली पता हो तो आप उतना आगे से जाएं, लेट्स से आपको पता है कि 10 साइकिल बाद इसने मेमोरी से, या 50 साइकिल लगते हैं तो आप 50 आगे से फेच कर लेंगे, या जितने ये साइकिल लट से ये 10 बंदे हैं तो आप 40 आगे से कर लेंगे कि ये साइकिल प्लस 10, तो जितनी देर में मैंने इधर वापस पहुंचना है इस जगह पर उस वक्त तक फेच हो चुका हूँ, ठीक है। सो ये जो पी है कि कितना आगे से फेच करूँ, ये अब एक एक्चुअल में ये निकालना एक मुश्किल काम होगा, क्योंकि मेमोरी सिस्टम जो होता है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता, ठीक है। सो मेमोरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर कई दफ़ा मल्टी लेवल कैश लगी होती है, ठीक है। सो आपको ये नहीं पता होता कि आपको जो पेनल्टी पड़ेगी वो 5 साइकिल की पड़ेगी, 12 साइकिल की पड़ेगी या 50 साइकिल की पड़ेगी, जिस तरह हमने एक रियल प्रोसेसर की एग्जांपल देखी कि उसमें जो L3 है उसमें 12 साइकिल लगते हैं, L2 में 5 साइकिल लगते हैं। तो आप रिफेच कर रहे हैं Level 2 के हिसाब से करूँ या Level 3 के हिसाब से करूँ, ठीक है। तो इसमें यह मसला है कि आप मेमोरी सब सिस्टम इज़ नॉट दैट सिंपल, और आप पहले से कोई वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते कि मेमोरी मुझे इतनी देर में दे देगी, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में ये वन ऑफ मेजर प्रॉब्लम्स कह लें कि चैलेंज होता है कि मेमोरी सिस्टम प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, ठीक है। कैश लगाई हुई है, मल्टी लेवल कैश लगाई हुई है, तो आप जब उसको एड्रेस देंगे तो डाटा जो आएगा वो आपको फिक्स नहीं पता कि कितने साइकिल बाद, हो सकता है कि फर्स्ट लेवल कैश में हो जाए 1 साइकिल बाद आ जाए, हो सकता है सेकंड लेवल में हो 5 साइकिल बाद आ जाए, हो सकता है थर्ड लेवल पे हो 12 साइकिल बाद आ जाए, हो सकता है ये 5, 10, 12 मैं इमेजिनरी नंबर्स अभी दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेसर टू प्रोसेसर ये वेरी करेंगे, और मेमोरी से उठाना हो तो वो कहते हैं हो सकता है कि 50 साइकिल ले ले, और हार्ड डिस्क से उठाना हो तो हो सकता है कि मिलियन साइकिल ले ले, ठीक। तो ये सारे काइंड ऑफ पॉसिबल ऑप्शन होते हैं, तो इस वजह से प्री फेचिंग जो है ना, क्या क्योंकि वो इतनी तेज हो रहा होता है कि हमें तो नहीं पता चल, मतलब कई दफा पेज फॉल्ट आते होंगे पीछे,
पेज फॉल्ट वो आप डिस्क से उठा के लाते होंगे, 1 मिलीसेकंड के अंदर अंदर आ जाता होगा, हम कह रहे तो हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो 1 मिलीसेकंड प्रोसेसर की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चंक है। ठीक है, उसके लिए कई दिन गुजर गए हैं जी, डाटा नहीं आया, इंतज़ार कर रहे अगर उसके एक साइकिल को हम कहेंगे एक दिन है, तो वो तो मिलियन दिनों में तो उसके पड़पोतों के भी आगे के कुछ आ चुके होंगे। ओके, सो सॉफ्टवेयर पाइप लाइनिंग इसलिए हार्ड है कि उसमें ये टाइम प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। और टाइम प्रेडिक्ट करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि मेमोरी सिस्टम ही प्रेडिक्टेबल नहीं होता, जो हमने पढ़ा है कि कैश लगी होगी, अगली कैश लगी होगी। सो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जब कुछ हम कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ये भी रिलेटेड टॉपिक है, इट्स नॉट हार्डवेयर एक्चुअली, ये आपका थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है और कुछ सपोर्ट हार्डवेयर में चाहिए होती है। ठीक है, बास का था आप कोड को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर देना तो आपका कोड तेज चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया हुआ है, मतलब क्योंकि कैश इस तरीके से बनी हुई है कि आपने अगर एक डाटा को एक्सेस किया तो दूसरा डाटा जो है वो उसके करीब करीब अगर हो तो आपकी कैश मिस होने का कम चांस है। तो अगर आप डाटा को वाकई इसी पैटर्न में एक्सेस करना शुरू कर दें तो प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो अगर आप कोड लिख रहे हैं तो ट्राई टू डू इट कि आपका जो वेरिएबल्स एक्सेस हो रहे हैं वो आपने इकट्ठे डिक्लेयर किए हों, और जो करीब करीब डिक्लेयर किए हैं उनको साथ साथ ही इस्तेमाल करें, तो वो मेमोरी में इकट्ठे होंगे तो वो सेम ब्लॉक में आ जाएंगे, सेम ब्लॉक में होंगे तो एक को फैच करने में बाकी भी फैच हो जाएंगे और वहीं पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरा हम आगे एक दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि बास का कोड में हम लिखा ऐसे होता है कि हम उसको स्पार्स यूज़ कर रहे होते हैं, एक इधर से एक्सेस किया एक उधर से, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है, वो हम देखते हैं भी। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि बास टाइप ऑफ डाटा जो है ना वो हमें पता होता है कि इसको कैश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने एक ही दफ़ा यूज़ करना है। ठीक है, तो आप ऐसे वेरिएबल्स को इन्फोर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर कि यार ये वाला जो है ना ये कैश में ब्लॉक फेच ना करो। ठीक है, सो कैसे करेंगे ये अब एक ये हमने नहीं भी डिस्कस किया, लेकिन आप इसके लिए कुछ आपको कोई बिट्स चाहिए होंगी, तो मतलब सॉफ्टवेयर बता सके हार्डवेयर को कि ये वाला डाटा जो है ना इसको कैश में फेच करने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस तरह हमने जो इसका आर्किटेक्चर पढ़ा था उसमें लोड वर्ड के साथ कोई फंक्शन बिट्स भी थी और बाकी थी, आप उन फंक्शन बिट्स में ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं कि अच्छा ये जो एक्स्ट्रा रिजर्व बिट्स हैं उनमें डाल सकते हैं कि अगर ये बिट 1 हुई तो हार्डवेयर में सपोर्ट डाल दी कि इसका मतलब है कि ये वाला जो लोड वर्ड है इसको कैश करने की ज़रूरत नहीं है और कैश उसको फिर ना करे कैश। ठीक है, इसी तरह बास डाटा होता है जो कि जिस तरह आप स्ट्रीमिंग वीडियो आप देख लें। ठीक है, सो अब वीडियो का जो फ्रेम आ गया है वो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत अमूमन नहीं पड़ती ना, वो तो आके चला गया, आप अगला फ्रेम आ गया, अगला फ्रेम आ गया, अगला फ्रेम आ गया, अनलेस कभी आप रिवाइंड करेंगे तो कुछ जाएंगे तो वो आप फिर रिवाइंड कर लें, लेकिन नॉर्मली आपको वाला ऑडियो सुन रहे हैं, कोई म्यूजिक प्ले हो रहा है तो वो जो भी चंक आया है वो दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कुछ टाइप ऑफ डाटा ऐसे होते हैं कि जो आपको दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी उनमें स्पेशल लोकेलिटी तो होती है कि आपने जो चीज़ एक्सेस की उसके आगे वाली चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, लेकिन टेम्पोरल नहीं होती कि आपको वो पूरी की पूरी चीज़ दोबारा रीड करनी पड़े। तो हम इसके लिए एक तरीका ये होता है कि कैश में ना आप कुछ डेड लोकेशंस बना दें, डेड लोकेशंस मीन कि आप एक्चुअल में कुछ ना बनाए, आप कहेंगे कैश के इन एड्रेसेस पे असल में आप जब भी लिखवाएंगे तो वो कहीं पे भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डाटा को आप फिर उस तरफ राउट कर सकते हैं कि वो डेड लोकेशंस पे चला जाए, लेकिन अगेन इसके लिए आपको हार्डवेयर में कोई प्रोविजन चाहिए कि किसी तरह जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं मेमोरी में रीड राइट करने की उसमें कोई एक्स्ट्रा बिट से आप बता सकें कि दिस स्पेसिफिक लोड इज फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, कि आप डेड लोकेशन में इसको लोड। अच्छा, फिर मैंने भी जो आपको कहा था कि मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा इसकी कि कोड से क्या फर्क पड़ता है, अब ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। ये एग्जांपल क्या कह रही है, इसमें आप एक एरे है, टू डायमेंशनल एरे है, जिस तरह मैंने ये टू डायमेंशनल एरे बनाई हुई है। ठीक है, लेट्स से ये एक इमेज है और आप क्या कर रहे हैं कि आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो सिंपल सा ऑपरेशन है, 2 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन जो इधर लूप लगा हुआ है वो कॉलम पे इस पे पहले लगा हुआ है। ठीक है, इस पे कि आप पहले लोकेशन ये एक्सेस करेंगे, अगली ये एक्सेस करेंगे, अगली ये एक्सेस करेंगे, अगली ये एक्सेस करेंगे एंड सो ऑन, पहले ये पूरा कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये कॉलम, फिर ये कॉलम, फिर ये, तो ये कॉलम वाइज कर रहा है क्योंकि जे पहले है आई बाद में,
ठीक है, और आप इसको आगे आईजे पे एक्सेस करें, यानी रो नंबर पहले देते हैं कॉलम नंबर बाद में देते हैं, लेकिन आपने कॉलम नंबर पे पहले लूप लगा दिया, आउटर लूप लगा दिया, इनर लूप रो नंबर पे लग रहा है, ठीक है। सो आप पहले रो नंबर 0 एक्सेस करेंगे, फिर 1 बाय 2 कॉलम सेम रहेगा और पूरा। अच्छा, इसका अगर मेमोरी में जो ये जब इस तरह से लिखा होता है, मेमोरी में एक पूरी मेमोरी एक ही सीक्वेंस में पड़ी होती है, ठीक है, मेमोरी 2 डायमेंशनल नहीं होती, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल का इफेक्टिवली मतलब क्या होता है कि आपने ये पूरी रो पहले रखी, फिर अगली रो रखी, फिर अगली रो, तो मेमोरी में ये एक्सेस कैसे बन रही है कि जब मैंने पहला एक्सेस किया तो ये एक्सेस हो गया लेट से 0 नंबर, फिर मैंने अगली रो का पहला एक्सेस किया तो ये इतने गैप के बाद आपने आगे जाके कहीं से एक्सेस किया, फिर उतनी अगली रो के बाद अगले इतने गैप के बाद मैंने एक्सेस किया, ठीक है। अब ये टाइम में ये स्पेस में एक दूसरे से बहुत दूर है, ठीक है, हाँ ये मेमोरी है, ठीक है। ये मैंने ये तो मैंने बनाया है कि 2 डायमेंशनल इमेज जो था वो असल में मेमोरी में ऐसे पड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 2 डायमेंशनल एरे को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, अगर कॉलम वाइज एक्सेस करूंगा तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं पहला जो रीड करूंगा और जो दूसरा रीड करूंगा उनके दरमियान काफी गैप है। अब जब मैंने इसको रीड किया कैश में मिस हुई, उसने ये पूरा ब्लॉक फेच कर लिया ये सोचते हुए कि यही मैं दोबारा मैं इधर से एक्सेस करूंगा, मैंने इसको दोबारा एक्सेस ही नहीं किया, मैंने बहुत सारी जगह छोड़कर कहीं और एक्सेस किया, तो दोबारा कैश मिस हुई, उसने उसको फेच किया, फिर दोबारा उसने जो फेच किया मैंने उधर से नहीं एक्सेस किया, मैं काफी आगे जाके और जगह पे एक्सेस किया। तो ये कोड जो है ना ये कैश एफिशिएंट नहीं है, यानी इसमें कैश मिसेस बहुत ज्यादा आएंगी क्योंकि आप कॉलम वाइज पहले एक्सेस। इसमें अगर बिल्कुल सिंपल सी चेंज कर लें कि मैं रो वाला लूप पहले लगा दूं, कॉलम वाला बाद में लगा दूं, उससे क्या होगा कि अब मैं इसको रो वाइज एक्सेस कर रहा हूं कि पहले ये वाली लोकेशन एक्सेस कर रहा हूं, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो ये मेमोरी के अंदर कैसे एक्सेस होगी कि 0 नंबर लोकेशन के बाद 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो जब मैं 0 नंबर मिस होगी तो वो पूरा ब्लॉक फेच करूंगा, तो 1 2 3 4 5 आपको जब तक उस ब्लॉक में हूं तो मुझे कैश मिस नहीं आएगी, जब वो ब्लॉक गुजर जाएगा तो मैं दूसरे पे आऊंगा, दूसरे पे आऊंगा तो फिर पहली दफा कैश मिस आएगी, लेकिन आगे किसी एंट्री पे उस ब्लॉक में कैश मिस नहीं आएगी। तो ये वाला कोड उससे मच फास्टर होगा, ठीक है। और ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये हमने किया भी हुआ है कि मतलब एक जो हम लास्ट एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उस पर किसी ने इस तरह लूप लगाए हुए थे पहले कॉलम वाइज, क्योंकि जो हम अल्गोरिदम था वो हमने मैटलैब में बनाया, मैटलैब वेक्टर ऑपरेशंस में अच्छी है और कई कॉलम वाइज हो रहे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जब इवेंचुअली हमने उसको सी में कन्वर्ट किया तो वो उस बंदे ने उसको कॉलम वाइज ही लिख दिया, तो स्लो चल रहा था कोड। तो जब हमने उसको सिंपल ये काम किया कि हमने जाके सारे लूप इंटरचेंज कर लिए तो वो ठीक ठाक मैग्नीट्यूड में फ़र्क पड़ गया, जो काम 10 सेकंड में हो रहा था वो 1 सेकंड में आ गया, ठीक है। सो इस तरह से इतना फ़र्क पड़ सकता है बस, ठीक है। अगर आपके कोड में बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस हो रही हैं या मल्टीप्लिकेशन ही मैट्रिक्स ऑपरेशंस हो रहे हैं कोई भी, लेकिन आपने उसमें कॉलम पहले लगाया हुआ रो बाद में लगाई हुआ लूप में, सो आप उसको उलट कर लें, ठीक है। जहाँ पर पॉसिबल मतलब कई बाज केसेस में तो आपकी मजबूरी होगी कि नहीं आपने कॉलम भी पहले लगाना है क्योंकि वो कैलकुलेशन ही नहीं हो सकती, लेकिन इस कैलकुलेशन में तो आपने हर एंट्री पे जाकर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो आप पहले रो से उठा लें या पहले कॉलम से उठा लें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो ये जो छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन है ना ये इससे आपको ठीक सा गेन हो सकता है परफॉर्मेंस में कि आप लूप प्रॉपरली लगा। इसी तरह लूप फ्यूजन, इसको हम लूप इंटरचेंज कहते हैं कि अच्छा इसके उसको रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके पहले रो पे लगाएं और फिर कॉलम पे लगाएं। दूसरा, अब ये एक और कोड है, इसमें आप ये भी एन तक जा रहा है लूप, ये भी एन तक जा रहा है, ये ए के अंदर बी और सी को मल्टीप्लाई करके लिखवा रहा है, ये ए को सी से मल्टीप्लाई करके डी पे लिखवा रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम इधर, इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है? अगर ये कोड आपने लिखा होता और आपको कहता है इसको जरा यार तेज करो तो क्या करते? अगर कैश ना भी होती फिर भी इसको तेज करने के लिए आप एक चीज ऑब्वियस नजर आ रही है जो हम करेंगे। एक ही पार्ट है, एक ही कोड है जिसमें पहले आपने ये किया फिर ये किया, सी का कोड है, कैसे होंगे आप बताएं? सी का कोड है तो पहले ये पूरा लूप चलेगा उसके बाद ये पूरा लूप चलेगा, दोनों को इकट्ठा कर लें तो एटलीस्ट हमारी इटरेशंस बचेंगी, लेकिन सिर्फ इटरेशंस नहीं बचेंगी बल्कि उसके अलावा ये भी होगा कि ये क्योंकि डाटा पास पास का है ना कि आपने ए जीरो को जब एक्सेस किया तो इसको भी ए जीरो मिल गया, ठीक है, जो बाद में हो सकता है अगर आप
ये लूप चला के आते तो उस वक्त तक तो ए एन पे पहुंच गए होते, तो ए ज़ीरो कैश से बाहर निकल गया होता, ठीक है, तो कैश मिस होनी थी, तो वो कैश मिसेस भी बच जाएंगी और वैसे भी ये कम आइट्रेशन हो जाएंगी कि ये आपने 10 आइट्रेशन पहले चलाई, 10 दोबारा चलाई, तो ये एक ही दफ़ा 10 आइट्रेशन, तो आप इसमें लोकेलिटी ज़रा सी इंप्रूव भी कर रहे हैं और आइट्रेशन भी बचा रहे हैं, इसको लूप फ्यूजन हम कहते हैं, ठीक है। ओके, सो ये काइंड ऑफ हमारा मेम कैश वाला सेक्शन खत्म हुआ। एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम क्विज अभी ले लें, और एक काम ये हो सकता है कि हम कंटिन्यू करें, मतलब तकरीबन आधे घंटे का क्विज है, लंबा क्विज है, ठीक है। सो अगर अभी लिया तो हम 4:45 से 5:15 तक हम ये क्विज लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे 6:15 तक, और 6 बजे तक अगर नमाज की ब्रेक ना की, और 6:15 तक अगर नमाज की ब्रेक की। असाइनमेंट सोल्यूशन नहीं अभी तो नहीं करेंगे, मतलब वो बाद में करेंगे, पेपर से पिछली क्लास में, ठीक है। पेपर नेक्स्ट फ्राइडे को है मेरा ख्याल है, हाँ मंडे वाली का मैं बताऊंगा आपको कि शामिल हैं कि नहीं, मंडे को बताऊंगा, क्योंकि अगर वो डिस्टेंट लर्नर्स को ना पहुंच सकती हुई तो फिर नहीं होगा शामिल, अगर वो डिस्टेंट लर्नर्स को पहुंच सकती हुई तो वो भी शामिल होगा, ठीक है। ब्रेक तो मतलब दो तरीके से हो सकती है कि एक हम आधे घंटे का क्विज ले लें, या हम कॉन्टिन्यू चलें, ठीक है, इसको रोकें, 1 मिनट 5 मिनट की ब्रेक कर लेते। मेमोरी का जो दूसरा टॉपिक है ना वो है एड्रेस ट्रांसलेशन और वर्चुअल मेमोरी। नहीं वो शायद फर्क होगी, वो जो डेटाबेस में पेजिंग होगी वो थोड़ी सी फर्क होगी, ये तो नॉर्मल में भी है, ये तो हमारे डेस्कटॉप्स में भी पेजिंग हो रही है ना, तो ये पेजिंग तो खैर मैंने भी पेजिंग का नाम लिया कि नहीं लिया, मैंने तो नहीं कोई नाम लिया। अच्छा, मैं तो वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम कह रहा था, गलती से ले लिया होगा। ओके, सो अब हमारा काइंड ऑफ तीन सेक्शन हो गए कोर्स के, कि हमने एक ऐसा प्रोसेसर बना लिया जो सी की इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता था, एक उसको पाइपलाइन कर दिया और पाइपलाइन से रिलेटेड मसले हल कर लिए, और फिर मेमोरी का सेक्शन जो कि उसके अंदर हमने पहली चीज़ कर ली कि यार जो मेमोरीज उसमें छोटी लगी हुई थी उनको हमने बड़ा करना था, बड़े करने से स्लो हो जानी थी, हमने कहा कि ठीक है स्लो हो जाए लेकिन हम फास्ट कैश लगा देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उधर डाटा मिल जाए, ना मिले तो हम मेमोरी में चले जाए, तो हमने कैश वाला काम भी कर लिया। लेकिन अभी अभी तक जो हमारा प्रोसेसर बना है वो एक वक्त में एक प्रोग्राम चला सकता है, ठीक है, उसके अंदर ये सपोर्ट नहीं है हार्डवेयर में कि वो थोड़ी देर एक प्रोग्राम चलाए, थोड़ी देर दूसरा प्रोग्राम चलाए, जैसा कि नॉर्मल प्रोसेसर्स में होता है कि इस वक्त अगर यहाँ पे पावर पॉइंट चल रहा है तो पीछे मेरा आउटलुक भी खुला हुआ होगा जिसमें ईमेल्स आ रही होंगी, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो जाके चेक करता होगा ईमेल आई कि नहीं आई, अगर मैंने एक्सप्लोरर खोला हो तो वो भी चल रहा होगा पीछे, तो जो जो सी चीज़ काफ़ी सारे प्रोसेस पीछे चल रहे होंगे, तो वो सारे प्रोसेस जो हैं बेसिकली प्रोग्राम हैं और वो एक वक्त में चल रहे हैं। तो जब हम एक वक्त में कहते हैं तो नॉर्मली अगर यूनि प्रोसेसर है यानी एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है, मल्टी कोर नहीं है, तो एक वक्त से मुराद ये नहीं होती कि वो वाकई एक वक्त में एक चल रहा है, अगर आप साइकिल लेवल पे जाकर देखेंगे तो उसको एक वो एक वक्त में एक ही प्रोग्राम चला रहा होता है, सिर्फ उसके अंदर ये सपोर्ट होती है कि थोड़ी देर के बाद उस प्रोग्राम को रोके और किसी और प्रोग्राम को चलाना शुरू कर दे, और फिर थोड़ी देर बाद उसको रोके और पहले वाले को दोबारा चलाना शुरू कर दे, ठीक है, तो ये एक स्विच करने की सपोर्ट होती है। तो अभी हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रोसेसर के अंदर ये सपोर्ट आ जाए, ठीक है, कि वो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर स्विच हो सके, ठीक है। सो ये जो है ना काम, ये हम देखेंगे कि इसको करते हुए हमें हम एड्रेस ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और फिर हमें बाद में इसी से रिलेटेड वर्चुअल मेमोरी सिस्टम आ जाएगा जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस तरीके से हुआ कि शुरू में जो मशीन्स बनी जो कि हमने अभी तक बना ली है, शुरू वाली मशीन, ठीक है, उसको हम कहते हैं बेयर मशीन्स, जिसमें जो भी आप एड्रेस देते हैं वो फिजिकल एड्रेस होते हैं, ठीक है, यानी कि आप डायरेक्टली मेमोरी का एड्रेस दे रहे होते हैं और एक वक्त में एक ही प्रोग्राम चल सकता है। उसके कुछ अरसे बाद इवॉल्व होकर बैच स्टाइल मल्टी प्रोग्रामिंग आ गई। बैच स्टाइल मल्टी प्रोग्रामिंग में होता है कि चल एक वक्त में एक ही प्रोग्राम रहा होता है,
लेकिन आप उसको बता सकते हैं कि यार ये वाला प्रोग्राम चलाना, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये चलाना, तीसरे नंबर पे ये चलाना, चौथे नंबर पे ये चलाना, तो वो पहले एक को लोड करेगा, उसको चलाएगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद जो है ना टाइम शेयरिंग वाला टाइम आया, जिसमें आपके बहुत सारे प्रोग्राम चल सकते हैं, जो एक जिस तरह हम नॉर्मली आजकल यूज़ कर रहे होते हैं कि आप बहुत सारे प्रोग्राम चला रहे होते हैं। इस स्लाइड को हम एंड पे दोबारा कवर करेंगे, क्योंकि जब हम इस पूरे पाथ से गुजर जाएंगे तो इट विल मेक मोर सेंस, ठीक है। और अब तो ये भी आ गया जिसको हम कहते हैं वर्चुअल मशीन मॉनिटर्स, के आपके आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला लेते हैं, विंडोज़ के ऊपर लिनक्स और लिनक्स के ऊपर विंडोज़, तो ये भी चला लेते हैं। तो ये अब हमारा मॉडल है जो कि अभी तक का बना है, ठीक है। अभी तक जो हमने प्रोसेसर बनाया उसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर से इंस्ट्रक्शन कैश को एड्रेस देते हैं, वो डाटा देती है, मिस हो जाए तो मेमोरी कंट्रोलर को चला जाता है, वो मेन रैम से उठा के इसको फिल कर देता है। इसके बाद डिकोड होती है, एग्जीक्यूट होती है, और अगर आपने लोड वर्ड या स्टोर वर्ड है तो मेमोरी एक्सेस करते हैं, तो ये चीज़ चल रही है, ठीक है। तो ये कहलाती है बेयर मशीन। हाँ, हमने ये कहा था ना कि कैश से अगर मिस होगी तो आपने मेमोरी से फेच करना है, तो मेमोरी से जो फेच करने वाला लॉजिक होती है उसको हम कहते हैं मेमोरी कंट्रोलर, ठीक है। और नीचे ये मेमोरी लगी हुई है जिसके साथ वो एक्सेस कर रही है। तो यहाँ पर कोई मेमोरी इंटरफेस आपने हार्डवेयर में इंप्लीमेंट किया हुआ है जो कि दूसरी तरफ से कैश मिस के ऊपर लेता है कि भाई मुझे ब्लॉक नंबर बता दो और मैं तुमको जब डन हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें वन भेज दूंगा, वो रीस्टार्ट हो जाना, तो इस तरह की चीज़ें। तो वो कंट्रोल सिग्नल हमने डिटेल में नहीं डिस्कस किया, लेकिन किससे बाहर, नहीं नहीं ये कैश तो उसकी चिप का पार्ट है, ऑन चिप ही है। ये अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा चिप का पार्ट है, डी रैम बाहर होगी, ठीक है। डी वो भी वो हमने देखा भी था ना, वो एक चिप थी उसके अंदर ही थी ना। तो नॉर्मली मतलब शुरू शुरू में कुछ प्रोसेस में बाहर भी हुई थी, मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ कैश बाहर भी लगाई है, लेकिन जनरली आजकल के प्रोसेसर्स में आपकी जो कैश है वो ऑन चिप ही होगी। सिस्टम ऑन चिप की टर्म होती है सर, सॉफ्ट, ठीक है, चीज है सॉफ्ट सॉफ्ट, इस पे भी आएंगे थोड़ा आगे जाके, ओके। सो अगर मैंने एक से ज्यादा प्रोग्राम चलाने हैं तो मुझे क्या चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। सो हम एक छोटी सी इसमें चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम करते ये हैं कि बेस एंड बाउंड रजिस्टर्स डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। बेस एंड बाउंड रजिस्टर्स क्या करते हैं, अब मसला क्या होता है कि जब मैं दो प्रोग्राम चलाऊंगा, ठीक है, तो एक प्रोग्राम को मैं मेमोरी की किसी और जगह पर लोड करूंगा, दूसरे प्रोग्राम को मैं मेमोरी की किसी और जगह पर लोड करूंगा। जैसे ही मेरा दो प्रोग्राम चला रहा हूँ और थोड़ी देर ये चल रहा है, थोड़ी देर वो चल रहा है, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि ये प्रोग्राम अगर चल रहा है तो ये अपनी रेंजेस से बाहर जा सके। मैंने जहाँ पर इसको लोड किया हुआ है इसको उसी जगह को सिर्फ एक्सेस करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं ना तो उस प्रोग्राम से जब एग्जी बनती है, ठीक है, जो नॉर्मली आपका प्रोग्राम वही होती है जो एग्जीक्यूटेबल आपकी चल सकती, तो अमूमन दो बड़े सेक्शन बन जाते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं कोड सेक्शन या टेक सेक्शन, और एक आपके होते हैं डाटा जो कि आपके ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह हैं, जो इसके अलावा लोकल वेरिएबल्स हैं वो आपके स्टैक पे बनते हैं, वो अभी सिंपलिस्टिकली आप अज्यूम कर लें कि वो इसके अंदर ही बनता, लेकिन अमूमन वो एक अलहदा सेक्शन होता है और हीप एक अलहदा सेक्शन होती है जो न्यू करके हम एक्सेस। लेकिन अगर मैं ये सिंपल चीज़ कहूँ कि मेरे प्रोग्राम से एक तो मेरा उसका कोड है, एक डाटा है, तो ये मैंने मेन मेमोरी में लोड कर दिया, ठीक है। मेन मेमोरी तो एक ही है, मेन मेमोरी में तो इंस्ट्रक्शन और डाटा अलग अलग मेमोरियाँ नहीं है, कैश दो लगाई हुई हमने, एक इंस्ट्रक्शन कैश है और एक डाटा कैश है, ठीक है। अच्छा, अब चाहते हम ये हैं कि जब भी हमने एड्रेस दिया है, अब ये एक प्रोग्राम का कोड और डाटा है, किसी और प्रोग्राम का कोड कहीं और पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोड टू मैं इसको कहता हूँ, और थोड़ा सा नीचे जा जाऊँ तो मैं कहता हूँ कि ये डाटा टू पड़ा हुआ है, ये एक और प्रोग्राम का है। अब मैं चाहता ये हूँ कि जब ये वाला प्रोग्राम चल रहा हो तो मैं यहाँ से कोड पढ़ना शुरू करूँ, पीसी मेरा यहाँ पर कहीं पे चल रहा होगा, और जब भी लोड वर्ड स्टोर वर्ड करना होगा तो वही इस जगह पर होना चाहिए। जब मैं स्विच करके दूसरे प्रोग्राम पर जाऊँ
तो उसका पीसी जहाँ पर रोका था वहाँ से स्टार्ट हो जाऊँ, जो कि कहीं इस जगह पर होगा और डाटा किसी इस जगह पर होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ आ रही? अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने प्रोग्राम लिखा सी में और उसको कंपाइल किया, ठीक है, तो जब कंपाइलर को तो नहीं पता था कि उसने इवेंचुअली किस जगह पर लोड होना है, ठीक है, कि वो इस जगह पर लोड हो रहा है, 0 पर लोड हो रहा है, 10 पर लोड हो रहा है, किस लोकेशन पर लोड हो रहा है। ठीक है, सो कंपाइलर हमेशा जब उसको कंपाइल कर रहा है तो वो अज्यूम कर रहा होगा कि वो स्टार्ट ऑफ मेमोरी से उसने एड्रेसिंग शुरू कर दी। ठीक है, तो अब हमें कोई मैकेनिज्म चाहिए कि अगर मैं कोड को इस जगह पर लोड किया हुआ है तो अब अगर मुझे प्रोसेसर ने एड्रेस दिया है 0, तो ये तो 0 नहीं है, ये तो मेमोरी कहीं से शुरू हो रही थी, ये अगर 1000 है एड्रेस, तो वो मैं 1000 इसके अंदर ऐड कर सकूं। ठीक है, कि मैंने जिस जगह पर लोड किया हुआ है ये वाला बेस एड्रेस, हम इसको बात कहते हैं, इस बेस एड्रेस को मैं एक्चुअल एड्रेस में ऐड कर सकूं। ठीक है, तो ये स्लाइड असल में ये काम कर रही है। ठीक है, कि आप एक प्रोग्राम लोड जब करते हैं तो आप कहते हैं कि यार आपके कोड का बेस एड्रेस ये है और वो आप इस बेस एड्रेस रजिस्टर में लोड कर लें। ठीक है, और आप कहते हैं कि डेटा का बेस एड्रेस ये है, वो आप इस रजिस्टर पर लोड कर लें। ठीक है, अब जब भी आपकी कोई इंस्ट्रक्शन आएगी तो वो एड्रेस देगी, आप उस एड्रेस में ये वाला बेस एड्रेस ऐड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो कंपाइल हुआ था उस वक्त उसने 0 के हिसाब से निकाले हुए थे, जब उसमें ये बेस एड्रेस ऐड हुआ तो वो आप इस बेस एड्रेस के हिसाब से वही एड्रेस बन जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। ठीक, और इधर दूसरी चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कोड में मैं जब भी जंप करूँ या मैंने लोड वर्ड करते हुए मैं कोई अगली लोकेशन एक्सेस करूँ तो वो इससे आगे ना जाए, जो मेरा एंड पॉइंट है ना जहाँ तक डाटा आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं बाउंड। ठीक है, तो ये अगर 50 लोकेशंस थी तो हम बाउंड में लिख देंगे कि यार ये 50 से बड़ा एड्रेस ना देना। ठीक है, क्योंकि ये तो 0 से शुरू हो रहा है एड्रेस, तो ये सीधा बाउंड से कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसको हम कहते हैं बेस एंड बाउंड स्कीम, कि आपने प्रोग्राम वाले सेक्शन के लिए भी और डेटा वाले सेक्शन के लिए भी आपने बेस भी डिफाइन कर दी और बाउंड भी डिफाइन कर दी। बेस के वो किस जगह पर लोडेड है, बाउंड के उसकी कितनी लोकेशन है जो कि आपके प्रोग्राम के हैं। जब भी एड्रेस आया आपने चेक किया कि यार ये बाउंड से बड़ा तो नहीं हो गया, कहीं बाउंड से बड़ा हो गया आप प्रोटेक्शन फॉल्ट दे देंगे। ठीक है, जो अमूमन प्रोटेक्शन फॉल्ट आता है ना, जब एक एक्सेप्शन आती है कि योर प्रोग्राम हैज परफॉर्म्ड एन इलीगल ऑपरेशन एंड हैज ट्राइड टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन, वो अमूमन आप अपने बाउंड से बाहर गए होते हैं। ठीक है, कि आपका जो प्रोग्राम की जगह थी आपने उसके बाहर एक्सेस करने की कोशिश की। सी में कोड लिखते हुए आप ये कर सकते हैं, आपने एक एरे 10 के डिक्लेयर की, आप एरे के इंडेक्स में 50 दे दें तो वो 50वीं को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो इंडेक्स नॉर्मली जब आउट ऑफ बाउंड होता है तो एक्जी फिर भी बन जाती है उसकी, लेकिन जब वो एक्चुअल में एक्सेस करना शुरू करेगा तो वो रेंज से अगर बाहर गया आपके प्रोग्राम की तो आपको एरर आ जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगी कि यार ये तो आपके प्रोग्राम ने इलीगल ऑपरेशन की। वो जो इलीगल ऑपरेशन है वो ये वाली प्रोटेक्शन फॉल्ट है, वो बेसिकली बाउंड वॉयलेशन है। अगर आप कोड उठ के कोड सेक्शन से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, यानी इंस्ट्रक्शन फेच वाला एड्रेस बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से प्रोटेक्शन फॉल्ट जनरेट होगी। अगर लोड वर्ड स्टोर वर्ड की वजह से डेटा वाले मेमोरी डेटा सेक्शन को एक्सेस करने के लिए हुआ तो फिर आपकी यहाँ से वो बाउंड वॉयलेशन जनरेट होगी। ठीक, तो ये ज़रूरी थी क्योंकि आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि यार मैंने ये दो प्रोग्राम लोड किए और ये कहीं पे भी एक्सेस करके ये इसके कोड में जाके पंगे लेना शुरू कर दे, तो जब इसकी बारी आएगी तो ये चलना बंद हो जाएगा। हम कहेंगे कि ये प्रोग्राम मस्ती कर रहा है, असल में वो दूसरा प्रोग्राम था जो कि इसके सेक्शन में आगे लिखवा रहा था। तो इसलिए बेस एंड बाउंड बड़े ज़रूरी हैं ताकि एक प्रोग्राम अपनी हदूद में रहे, उससे बाहर ना जाए। ठीक है, तो वो हदूद में रहने के लिए हम उसकी बाउंड डिफाइन कर दी, बाउंड्री हद डिफाइन कर दी, और बेस रजिस्टर बता रहा है कि अच्छा जिधर लोड हुआ है वहाँ से उतना ऐड कर लो इसके अंदर, क्योंकि जब कंपाइल किया था तो उस वक्त नहीं पता था कि किधर लोड होना है, उधर आप उस वक्त आप ये रखते थे कि भाई 0 से अज्यूम कर लो हमेशा, तो बाउंड रजिस्टर की वजह से आप हमेशा उतना ऑफसेट ऐड हो जाएगा और आप सही जगह पर पहुँच। जी ये मैंने मेन मेमोरी बनाई हुई है, लेट से ये प्रोग्राम 1 है और ये उसका डाटा है, ये प्रोग्राम 2 है ये उसका डाटा है, लेट से इसका एड्रेस मैं कहता हूँ कि 1000 है और ये लेट से है 2050, लेट से ये मैं कहता हूँ 3004 है और ये लेट से मैं कहता हूँ 4008 है लेट से। ठीक है, तो कोई रैंडम नहीं। तो अब आपके जब ये वाला प्रोग्राम लोड होगा तो आपका बेस रजिस्टर में लगा इस वाले जो प्रोग्राम वाला बेस है उसमें 1000 प्रोग्राम बेस, हाँ सॉरी पीसी काउंटर ये, सो प्रोग्राम वाले बेस रजिस्टर में लिखा होगा 1000 और डेटा वाले बेस रजिस्टर में लिखा होगा 2050। ठीक है, तो जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है इनके अंदर
यही वाली वैल्यूज है। यहाँ से यहाँ तक लेट्स से आपकी ये जो टोटल वैल्यूज थी अगर 100 थी तो इधर लिखा हुआ होगा 100, आपका 100 लाइंस ऑफ कोड था लेट्स से, और जो आपके एरे लेट्स से इसके अंदर कोई 1000 की आपने डिक्लेयर की हुई थी या लेट्स से चलो छोटी कह लेते 50 की एरे डिक्लेयर, तो ये जो डेटा वाला होगा इसके अंदर 50 लिखा होगा। अब जब भी कोई एड्रेस आया मैंने कहा कि यार मैन जो जिसने कोड लिखा था जब कंपाइल हुआ था तो वो एड्रेस 0 अज्यूम करके लिखा हुआ था, ठीक है, कि यहाँ से मेरा प्रोग्राम काउंटर चल रहा है ठीक, और ये डाटा मेमोरी का वो भी इसी तरह अज्यूम करके लिखा हुआ था कि 0 पे मेरे बनना शुरू हो, ठीक है। सो मैंने कहा कि यार मैं 10 नंबर लोकेशन को अपने एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ से ये 10 आया, ठीक है, 10 को आपने चेक किया बाउंड में क्या पड़ा हुआ था 50, 10 बाउंड के अंदर अंदर ही है, ठीक है, इसका मतलब प्रोडक्शन फॉल्ट नहीं आएगी। दूसरा एक्चुअल में जब मैंने 10 नंबर लोकेशन को एक्सेस करना है तो वो 10 नहीं होगी, वो 2050 प्लस 10 होनी चाहिए, ठीक है, तो वो बेस रजिस्टर के अंदर आपके ऐड हो गया इसके अंदर, तो आपका वो 2010 प्लस 50 होके जो भी एड्रेस बना वो 2000। हाँ तो ये आपका लॉजिकल एड्रेस ये कह रहा है ऐड करने से पहले, ठीक है, सो लॉजिकल एड्रेस वो था जो कि जब आपने कंपाइल करते हुए उसको दिया था, ठीक है, हाँ 10 था वो एड्रेस, ठीक है, तो जो इधर ये फिजिकल जो एक्चुअल में मेमोरी का बना वो 2050 प्लस 10 माना, ठीक, तो इसको हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, बाद में हम इसको वर्चुअल एड्रेस कहना शुरू कर देंगे क्योंकि ये अब आप ये कोई और रख सकते हैं वो कोई और रख सकते हैं, तो हम सो दिस इज कॉल्ड बेस एंड बाउंड स्कीम जी। अब होगा क्या, थोड़ी देर बाद मैंने कॉन्टेक्ट स्विच हुआ और आपने इस प्रोग्राम के बजाय दूसरा प्रोग्राम का के मैं चलाता हूँ, तो जब दूसरा प्रोग्राम चलाएंगे तो आप बेस रजिस्टर में आके 3 कोड वाले में 30004 लिख देंगे और जो डाटा वाला है उसमें 4008 लिख देंगे, तो अब जब भी ऐड हुआ करेगा तो वो 1000 और उसके बजाय 3004 और इसमें ऐड हुआ क्योंकि अब आप इस प्रोग्राम में, ठीक है, सो ऑटोमेटिकली अब आपका या दूसरा, तो ये वाले रजिस्टर जो है ये अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली ये अमूमन ये तो अभी सिंप्लीफाइड पिक्चर है, असल में इसकी कोई एक प्रिविलेज मोड होगी जिसमें आप इन रजिस्टर्स पर लिखवा सके जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा, कि कॉन्टेक्स्ट स्विच किसने करवाना है, कॉन्टेक्स्ट स्विच नॉर्मली आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, जैसे ना विंडोज है वो थोड़ी देर के लिए एक प्रोग्राम चलाएगी फिर दूसरी चलाएगी, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको फिर इनमें लिखने की सपोर्ट भी होनी चाहिए ना कि वो बेस रजिस्टर बाउंड रजिस्टर को लिख सके, और नॉर्मल यूजर को इसमें लिखने की सपोर्ट नहीं होनी चाहिए कि एक प्रोग्राम है वायरस है तो वो जाके खुद ही अपनी बाउंड बढ़ाए तो किसी भी जगह जाकर पंगे ले, ये तो उसके लिए अमूमन फिर कोई प्रिविलेज मोड होती है जिसमें नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है और वो जाके फिर इनको ओवरराइट कर, ये कंपाइलर नहीं कर रहा, कंपाइलर जो है वो उसने जीरो से बना के वो लॉजिकल एड्रेसेस जनरेट किए, क्योंकि कंपाइलर कैन नॉट नो कि आपकी मेमोरी किस जगह खाली होगी, एक वक्त में अगर 50 प्रोग्राम चल रहे हो सकते हैं एंड पे खाली हो, ये तो उस वक्त रन टाइम पे पता चलेगा, ठीक है, हो सके कंपाइलर अगर अज्यूम कर भी ले तो वो एक दफा प्रोग्राम चलेगा तो कहीं और खाली होनी है, दूसरी दफा चलना तो कहीं और खाली होनी है, तो उसका काम नहीं है ये ना, तो इसलिए ये कंपाइलर इसको ये नहीं करता, ठीक है। सो इस स्कीम को हम कहते हैं बेस एंड बाउंड स्कीम, ठीक है, कि आपने बेस रजिस्टर और बाउंड रजिस्टर रख लिया इसी के नाम पर बेस एंड बाउंड स्कीम, इट इज गुड इनफ, मतलब चलती है, कोई इतना मसला नहीं है इसके अंदर। अब हम मतलब सिंपल इतनी सी चेंज करने से कि हमने एक कंपैरेटर लगा दिया, एक एडर लगा दिया और दो दो रजिस्टर साथ लगा दिए, अब हम इस काबिल हो गए हैं कि अब हमारा प्रोसेसर एक से ज़्यादा प्रोग्राम चलाने की कैपेबिलिटी रखना शुरू हो गया, कि आप एक वक्त एक चला रहे हैं थोड़ी देर बाद स्विच करना है तो आप दूसरा प्रोग्राम चला सकते हैं, ठीक है, जो कि किसी और जगह लोडेड है सेम मेमोरी में। इसके अंदर या अगर हम प्रोसेसर के अंदर देखें कि ये कहाँ पर आई है बेस एंड बाउंड की चेंज, तो वो यहाँ पर आई है, ठीक है, तो ये वो बेस रजिस्टर और बाउंड रजिस्टर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, कहाँ पर एड्रेस जनरेट होता था, दो जगहों पर होता था, या इंस्ट्रक्शन कैश को देते हुए या डेटा कैश को, तो इंस्ट्रक्शन कैश पे आपका प्रोग्राम का बेस एंड बाउंड आ जाएगा और डेटा कैश पे आपका डेटा का बेस, तो ये अब एक इंटरेस्टिंग वो तस्वीर होगी कि जो अब आपको बेस एंड बाउंड स्कीम के साथ वही वाला प्रोसेसर विद मेमोरी कंट्रोलर सब कुछ लगा वो आपको दिखा दें। अच्छा, यहाँ तक चीज़ समझ आ गई, यानी कि अब मैं एक से ज्यादा प्रोग्राम एक वक्त में चला सकूं। अच्छा, अब जब ये वाली स्कीम बन गई लोगों ने चला के देखी तो इसके अंदर एक ना सीरियस मसला आना शुरू हो गया, वो सीरियस मसला क्या था, वो कहलाता है मेमोरी फ्रेगमेंटेशन का। मेमोरी फ्रेगमेंटेशन लेट से कि ये मेरे डिफरेंट प्रोग्राम थे जो कि मैंने लोड किए हुए थे या डाटा था उनका जो लोड किया हुआ था, ठीक है, तो अब आपका एक डाटा लोड है, दूसरा हुआ है, तीसरा इस जगह पर लोड हुआ है, यहाँ पर भी जगह खाली है, यहाँ पर भी जगह खाली है, ठीक है, 24 के एक है, एक 16 के एक है लेट से,
अच्छा इस इतनी देर में ना दो और यूज़र आ गए, ठीक है, तो मीन्स के दो और प्रोग्राम चलना शुरू हो गए। दो और प्रोग्राम चलना शुरू हुए तो आपका ये यूज़र 4 और 5 थे, इसने इस जगह से 16 के स्पेस ले ली, इसने ये 24 के फ्री थी इस जगह से ले ली, ठीक है। लेट्स से कि इसके बाद आपके कुछ प्रोग्राम जो है ना वो अपना फिनिश हो गए, एग्जिट कर गए, 2 और 5 एग्जिट कर गए, तो 2 ये था, ये 24 के लेके बैठा हुआ था, 5 जो था वो भी 24 के लेके बैठा हुआ था। तो अब मेमोरी में क्या हुआ कि इसमें इधर एक खाली जगह था, इधर एक खाली जगह थी, इसमें अब इधर एक खाली जगह बन गई, थोड़ी सी इधर बन गई, थोड़ी एक इधर बन गई, ठीक है। लेट्स से कि इस जगह पर एक ऐसा प्रोग्राम आता है जिसको 32 के चाहिए मेमोरी, ठीक है, जिसका ये वाला सेक्शन जो है ना 32 के का है। अब इधर 32 के अवेलेबल तो है मगर वो इकट्ठे अवेलेबल नहीं है, इधर आपके पास 24 के इधर अवेलेबल है, 24 के इधर अवेलेबल है, 8 के इधर अवेलेबल है। तो अब मैं बेस एंड बाउंड से तो नहीं इसको दे सकता, ठीक है, अगर तो मेरे पास कहीं पे 32 के अवेलेबल होता पूरा इकट्ठा तो मैं क्या करता कि भाई जहाँ से अवेलेबल था उसके स्टार्ट को बेस बना देता और बाउंड लगा देता 32 के की और कह देता कि भाई ये मसरूफ होगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर 32 के की जगह मैं इसको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मेमोरी फ्रेगमेंटेड है, इसकी जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो इकट्ठी नहीं है बल्कि अलग अलग है, ठीक है। अब ये मसला बेस एंड बाउंड स्कीम का है कि जब थोड़ी देर तक प्रोग्राम चलते हैं तो मेमोरी फ्रेगमेंट हो जाती है, ठीक है। जब फ्रेगमेंट हो जाती है तो फिर एक तरीका ये हो सकता है कि अच्छा नहीं, थोड़ी देर के लिए आप रोकें उसको और इनको सबको इकट्ठा कर दें, आपके अच्छा यूज़र 2 का सारा डाटा उठा के इधर कॉपी कर दें, यूज़र 1 का फिर उसके साथ कॉपी कर दें, तो सारी इकट्ठी कर लें और सारी खाली जगह को इकट्ठा कर लें और उसके बाद दोबारा कह देंगे भाई हाँ भाई चलना शुरू हो जाओ, ठीक है। लेकिन ये ऑपरेशन काफ़ी कॉस्टली है, अगर मैं इस तरह से करूँगा तो इस पर टाइम लगेगा प्रोसेसर का। आप एक मूवी देख रहे थे दरमियान में, उसे कहा कि वेट अ मिनट जी, अभी मैं मेमोरी को पहले सीधा कर लूँ तो 5 मिनट बाद तशरीफ़ लाएँ या 10 सेकेंड बाद तशरीफ़ लाएँ। तो यू डोंट वॉन्ट टू डू दिस ना, कि आपका हर 10 सेकेंड 15 सेकेंड देखी या 1-2 मिनट देखी उसके बाद हो गया एक मिनट फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा हो गई है, मैं ठीक तो ये तो नहीं चाहेंगे। सो ये अब एक सीरियस लिमिटेशन आ गई इस अप्रोच की, जिसको अब हम रिजॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर? ओके, सो इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन अगेन थीम वही चल रही है कि हमने एक ख्वाहिश जाहिर की क्या हम मल्टीपल प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, हमने उसको पूरा करने की स्कीम बनाई बेस एंड बाउंड। जब स्कीम बनाई तो वो देखने में ठीक लग रही थी लेकिन फिर पता चला नहीं इसमें तो मसला है, तो अब हम उस मसले को फिक्स करना चाहेंगे। तो मसला फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन को फिक्स करने की जो स्कीम है उसको हम कहते हैं पेज मेमोरी सिस्टम, ठीक है। पेज मेमोरी सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम मेमोरी को ना फिक्स साइज के चंक्स में तोड़ देते हैं जिसको हम कहते हैं पेजेस, ठीक है। और जो भी हमारा एड्रेस जनरेट होता है ना उसको हम डायरेक्टली मेमोरी पर नहीं लेके जाते, उसके दरमियान में हम एक हार्डवेयर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पेज टेबल, ठीक है। पेज टेबल क्या करता है, वो ये मैपिंग डिफाइन कर रहा होता है कि अगर मुझे 4 पेजेस चाहिए थे लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, यानी कि जब मैंने इसको कंपाइल किया तो ये जो डाटा सेक्शन बनता था ये 4 पेजेस इसको चाहिए थे लेट्स से, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि भाई मेमोरी के अंदर कौन कौन से पेज फारिग हैं, ठीक है। अब वो लेट्स से एक शुरू में फारिग है, एक एंड में फारिग, फ्रेगमेंटेड हैं, इकट्ठे 4 पेजेस फारिग नहीं है। मसला क्या आता कि इकट्ठे 4 पेजेस मुझे नहीं मिल रहे, पहले ही मसला आ रहा था ना फ्रेगमेंटेशन। लेट्स से कि यहाँ पर एक फारिग था, एक यहाँ पर फारिग था, एक यहाँ पर फारिग था, एक यहाँ पर फारिग, बाकी सारे मसरूफ थे पेजेस, यानी कि किसी और प्रोग्राम को। तो मैं पेज टेबल में कह दूंगा कि यार 0 नंबर वाला जो पेज है ना वो इस जगह पर मैप कर दो, 1 नंबर वाला पेज इस वाले नंबर पे मैप कर दो, 2 नंबर वाला इस पे कर दो, 3 नंबर वाला इस पे कर दो, ठीक है। तो मैंने मैपिंग, जो भी मैपिंग करनी होगी उस मैपिंग के लिए मैंने एक पेज टेबल बना ली। बात समझ आ रही है? सो अब इसका फायदा क्या हुआ कि मैंने मेमोरी को क्योंकि फिक्स चंक्स में तोड़ा हुआ है तो चाहे एक बिल्कुल टॉप कोने पे हो और एक आखिरी कोने पे हो, एज लॉन्ग एज पेज मेरे पास अवेलेबल है मैं उसकी मैपिंग डिफाइन कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ 0 नंबर वाला पहले पे मैप हो रहा है, 1 नंबर वाला आखिरी पे मैप हो रहा है, ठीक है, स्टिल ये चलेगा, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ आई? नहीं आई? जी जी, आप जब प्रोग्राम एक आएगा मेमोरी में लोड होने, आप जाके देखेंगे इसको कितना एड्रेस और डाटा सेगमेंट को कितने पेजेस चाहिए। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा अगर मेरे पास
मेमोरी में किस किस जगह पर पेजेस अवेलेबल हैं, क्या इतने पेजेस अवेलेबल हैं। अगर पेजेस अवेलेबल हैं तो वो मैपिंग डिफाइन करेगा कि इसका पेज नंबर जीरो असल में किस जगह पर मैप होना है। ठीक है, असल में भी यही हो रहा होता है, जो आपका प्रोसेसर चल रहा है उसमें आपका जो प्रोग्राम आप कोई एग्जी को डबल क्लिक करते हैं वो लोड होती है। ये मैंने कोई इमेज को डबल क्लिक किया तो वो पेंट में खुली, तो पेंट डॉट एग्जी एक एग्जीक्यूटेबल है। अब वो जब एग्जीक्यूटेबल चलेगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि इस एग्जीक्यूटेबल के डाटा सेक्शन का कितना साइज है, इसके प्रोग्राम के सेक्शन का कितना साइज है, उसके पेजेस मुझे कितने एलोकेट करने हैं। वो जाकर उनके पेजेस एलोकेट करेगा और उसको लोड कर देगा और चला देगा। ठीक है, अच्छा, अब मेमोरी में वो पेजेस कहीं पे भी पड़े हों वो जाकर उनको मैप कर देगा कि इसका जीरो नंबर पेज इस जगह पर मैप होता है, वन नंबर इधर होता है, टू नंबर इधर होता है। ठीक, तो पेज का साइज जो है वो वेरी कर सकता है, नॉर्मली 4K होता है। ठीक है, 4K बाइट्स का पेज होता है ज़्यादातर सिस्टम्स में। हाँ, एक टेबल बता रहा होता है कि यार पेज नंबर जीरो जो है वो किधर मैप करना है, पेज नंबर वन किधर करना है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली किसी और प्रोसेसर में 4K से कम या ज़्यादा भी हो सकता है। नहीं, आपको आपको लग रहा होता है इकट्ठा पड़ा, असल में वो अब देखो ना, जीरो नंबर पेज इधर है, वन नंबर इधर है, टू नंबर इधर है, थ्री नंबर इधर है। ठीक है, इसको ये इकट्ठे नजर आ रहे, ये जीरो से थ्री तक इसको चाहिए थे 16K की स्पेस। ठीक है, इसने 16K की स्पेस मांगी, ऑपरेटिंग सिस्टम ने देखा कि यार 16K की तो डिस्पर्स पड़ी हुई है, उसने मैपिंग डिफाइन कर ली कि जीरो नंबर पेज इधर है, वन नंबर पेज इधर है, टू नंबर पेज है, थ्री नंबर पेज इस जगह पर है। ये टेबल खुद भी मेमोरी में होगा। ठीक है, सो ये हम मतलब ये असल में भी टेबल भी मेमोरी में होगा, लेकिन अब जब भी आप एड्रेस जनरेट करेंगे इधर से लोड वोड करेंगे तो आप पहले स्पेज टेबल में जाएंगे, देखेंगे कि यार ये असल में किस जगह पे पड़ा मेमोरी में, आप उस जगह पे मेमोरी में जाएंगे वहाँ से फैच करके लाएंगे। ठीक है, लेकिन फ़ायदा ये हो गया है कि वो जो फ्रेगमेंटेशन वाला मसला था वो हल हो गया। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या मसला था कि कहीं बीच बीच में खाली स्लॉट्स आ जाएंगे, तो इसमें आती रही खाली स्लॉट, क्योंकि खाली स्लॉट भी पेज जितनी होंगी तो आप उसको मैप कर सकते हैं हमेशा। ठीक है, सो मैपिंग वाला मसला इसने रिजॉल्व कर दिया, सो इसने फ्रेगमेंटेशन को रिजॉल्व कर दिया है। लेकिन इससे एक और तरह की फ्रेगमेंटेशन होती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। वो ये होती है कि आपको असल में 4K चाहिए ही नहीं थे, आपको 2K चाहिए थे, लेकिन स्टिल ये क्योंकि एक पेज 4K का है तो ये आपको 4K ही अलॉट करेगा। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, लेकिन ये उतना सीरियस मसला नहीं है क्योंकि इसमें आपके 2K ज़ाया हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है। प्रोग्राम को आपके 20-25 प्रोग्राम चल रहे हैं वो उसमें दो दो तीन दिन के ज़ाया भी हो जाएं तो इतना बड़ा मसला नहीं होता, वो फ्यू MBs होती है। लेकिन अगर आपको प्रोसेसर को रोकना पड़े और सब कुछ को एडजस्ट करना पड़े तो वो फिर एक बड़ा मसला है जो कि फ्रेगमेंटेशन में आ रहा था कि आप प्रोग्राम को लोड ही नहीं कर सकते थे। तो पेजिंग ने ये वाला काम हल कर दिया। ठीक है, सो अब जो आपका एड्रेस बना करेगा ना, सो 2 की पावर से हम खेलते हुए आ रहे हैं पहले भी। ठीक है, तो अगर मेरा 4K का पेज है तो वो एक्चुअली जो पहली 12 बिट्स बनेगी ना वो आपका बन जाएगा कि पेज के अंदर आपने किस जगह पे जाना है, उससे आगे वाली बिट्स बन जाएंगी कि पेज नंबर के। जिस तरह वो मैंने कॉलोनी की एग्जांपल दी थी ना कि हाउस नंबर और वो, तो इसमें भी ये वही वाला काम हो जाएगा कि आपका अगर 2 की पावर में 4K का मतलब है 4096 एक्चुअली, जब हम 4K कहते हैं ना, नॉर्मल इंसान 4K कहे तो उसका मतलब होता है 4000, लेकिन जब लॉजिक डिजाइनर की बीमारी जिसको उस वो जब बात कर रहा हो 4K तो उसका मतलब होता है 4096। ठीक है, सो 4096 इज बेसिकली 2 रेस्ट पावर 12। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 रेस्ट पावर 12 यानी कि 1 और 12 0। ठीक है, तो जब भी आपका एड्रेस कोई आ रहा है आप उसकी 12 बिट इधर से उठा लेंगे तो वो होगा पेज के अंदर किस जगह जाना है, उससे आगे वाली बिट होंगी पेज नंबर क्या। ठीक है, यानी कि 0 से लेके 4095 तक जो एड्रेस होंगे उनमें ये ऑटोमेटिकली आगे वाली बिट 0 होंगी, पीछे आपका नंबर चल रहा होगा। 4096 जैसे ही पहुंचेगी ये 1 हो जाएगी और पीछे 0 हो जाएगा, और फिर मतलब बिल्कुल उसी तरह चल रहा होगा जो मेरी लास्ट लेक्चर में हमने कब। अगर 4K साइज है पेज का तो ये 12 बिट का बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई और साइज है तो ऑब्वियसली अगर मैं 8K कर दूँ तो 13 बिट बन जाएगा, अगर 2K कर दूँ तो 11 बिट बन जाएगा। यू कैन ऑलवेज log base 2 ले लें तो आपको पता चल जाएगा कितनी बिट्स चाहिए उसको। ओके, सो अब होगा क्या, यानी कि जो प्रोसेसर है वो जो एड्रेस जनरेट करेगा आप उससे देखेंगे कि यार पेज नंबर कौन सा है। अगर पेज नंबर 0 है आप इधर जाकर देखेंगे, अच्छा 0 एक्चुअल में किस पे मैप होता है, तो आप वो वाला पेज नंबर उठा लेंगे और उसके पीछे ऑफसेट लगाए कहेंगे कि एक्चुअल फिजिकल एड्रेस क्या बनता है। तो ये मैं अभी बताता हूँ कि ये क्या चीज़ होगी, यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। ओके,
सो अब होगा क्या कि अगर आपके तीन प्रोग्राम चल रहे हैं तो हर प्रोग्राम इसको लेट से तीन पेज चाहिए थे, इसको भी तीन चाहिए थे, इसको चार चाहिए थे, तो इसका पेज टेबल बनेगा अलहदा, इसका अलहदा, इसका अलहदा, ये किसी और जगह पर मैप हो रहा होगा, ये किसी और जगह पर मैप हो रहा होगा, ये किसी, मतलब रैंडमली डिफरेंट जहाँ जहाँ पर आपको खाली जगह मिली आपने उनको मैप कर दिया, ठीक है। और ऑब्वियसली इसके अलावा OS के भी पेजेस होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे चल रहा है, ठीक है। और इनफैक्ट ये पेज टेबल खुद भी कहीं पे मेमोरी में ही पड़ा होगा, ये अभी हमने इधर दिखाने के लिए दिखाया हुआ है ताकि प्रोसेस जब भी CPU एड्रेस देगा तो वो पेज टेबल से जाके आप एक्चुअल पेज निकालेंगे और उस जगह से उसको जाकर एक्सेस करेंगे। ओके, सो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। हाँ नहीं, क्विज में अभी 10 मिनट पड़े हैं, ठीक, अगर वो घड़ी ठीक है तो। हाँ बस, ओके। सो अब पहला क्वेश्चन आता है कि ये पेज टेबल खुद कितना बड़ा होगा, ठीक है। सो पेज टेबल जो खुद बड़ा होगा कितना, उसको हम ज़रा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये खुद भी मेमोरी के अंदर होगा पेज टेबल, ठीक है। इसके अंदर जो पड़ा होगा वो पड़ा क्या होगा, मैपिंग पड़ी हुई है कि ये जो फिजिकल पेज नंबर है ये एक्चुअल किस पेज नंबर पे मैप होता है, यानी कि मेन मेमोरी में कौन सा पेज नंबर बनता है, ठीक है। सो होगा ये कि अगर मेरा एक एड्रेस आया CPU की तरफ से तो उसमें एक हिस्सा ऑफसेट है, एक हिस्सा पेज नंबर है। इस पेज नंबर के जरिए आप जाएंगे पेज टेबल में, ठीक है। लेट्स से इधर ये कहता है पेज नंबर 10, तो मैं पेज नंबर 10 पे चला जाऊँगा, यहां पे पड़ा होगा एक्चुअल पेज नंबर, ठीक है। सो ये एक्चुअल पेज नंबर मेरे पास आया, इसके साथ मैं यही वाला ऑफसेट लगा दूंगा क्योंकि इस पेज नंबर के अंदर मैंने इसी ऑफसेट पे जाना है ना, तो ये मेरे पास एक्चुअल एड्रेस बनेगा, ठीक है। एक्चुअल को हम फिजिकल भी कहते हैं, तो ये फिजिकल पेज नंबर इसके अंदर पड़ा हुआ है और उसके साथ आपने ऑफसेट यही वाला सीधा उठा के लगा दिया तो आपका फिजिकल एड्रेस बन। अब कितना बड़ा होगा पेज टेबल, ये डिपेंड करता है कि आपका ये जो CPU एड्रेस दे सकता है ये कितना बड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल CPU 32 बिट का एड्रेस दे सकता है अगर, ठीक है। सो 32 बिट का एड्रेस का मतलब है कि 12 बिट तो ऑफसेट की निकल गई और बाकी कितने रह गए, 20 बिट। सो 20 बिट में जितने भी पेजेस आ सकते हैं वो हो सकते हैं, और 20 बिट में कितने पेजेस आ सकते हैं, 20 बिट का मतलब है 2^21 मेगा पेजेस पोटेंशियली आ सकते हैं। तो अगर आपने पूरा पेज टेबल इसके लिए बनाना है तो आपको ऐसी 1 मेगा एंट्रीज चाहिए, ताकि 0 आए तो आप इधर जाएं, 1 आए तो इधर जाएं, 1 मेगा उसके अंदर आ जाए तो आप इधर चले जाएं, समझ आ रही है ना बात। तो ये लीनियर, इसको हम कहते हैं लीनियर पेज टेबल। तो अगर मैं लीनियर पेज टेबल बनाऊँ तो ये तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, ठीक है, 1 मेगा एंट्रीज होगी। और हर एंट्री के अंदर क्या पड़ा होगा, फिजिकल पेज नंबर, ठीक है, कि एक्चुअल में ये वाला पेज नंबर असल में किस पेज नंबर में, क्योंकि ये जो पीछे से पेज नंबर आ रहा है ये तो ये वाला ना, ये जो वर्चुअल पेज नंबर था मेरा, ठीक है, CPU तो इसके हिसाब से एड्रेस दे रहा था, लेकिन एक्चुअल में तो वो कहीं और मैप हुआ हुआ था। तो इधर क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है कि ये वाला पेज नंबर एक्चुअल किस पेज नंबर पे मैप होता है, ठीक है। तो हर पेज टेबल एंट्री के अंदर आपके पास फिजिकल पेज नंबर पड़ा होगा। हाँ, ऑफसेट तो नहीं, फिजिकल पेज नंबर चाहिए हमें, ठीक है। ऑफसेट इसलिए चाहिए क्योंकि ये मैं बताता हूँ कि मैंने ये, मैं 0 नंबर वाला पेज था लेट से, ठीक है मेरा, और मैं इसकी 10वीं लोकेशन को एक्सेस करना चाह रहा था, ठीक है। सो मैंने एड्रेस दे दिया 10, ठीक है, लोड वर्ड, मैंने कहा 10 नंबर से एक्सेस करो और किसी रजिस्टर में ले आओ, ठीक है। अच्छा, ये था वर्चुअल एड्रेस जो मैंने दिया, जो मेरे प्रोग्राम ने दिया, अज्यूमिंग के वो 0 पे पड़ा हुआ है प्रोग्राम, असल में वो प्रोग्राम कहीं और पड़ा है। अच्छा, पेज टेबल की जो 0 नंबर वाली एंट्री थी वो कह रही थी कि ये जो 0 नंबर है ना, ये असल में पेज नंबर 100 पे मैप हुआ हुआ, ठीक है। तो अब पेज नंबर 100 जो भी बनता है वो बनेगा, तो मैंने ये आपको कहा कि ये जो 100 है ना, ये इन 12 बिट्स के आगे आ जाएगा, ठीक है, और ये जो 10 है ना, जो ऑफसेट है, वो इधर आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली 100 नंबर पेज की 10 नंबर लोकेशन बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि 0 आपने करनी तो 10 नंबर लोकेशन ही एक्सेस थी ना। तो ये 100 तो आपको ये बता रहा था कि 0 नंबर वाला पेज 100 नंबर वाली जगह पर, 100 नंबर वाले एक्चुअल में 100 पेज पे मैप्ड है, लेकिन उस 100 पेज के अंदर आपने किस जगह पे जाना था, आपने वो 4K की 4K बाइट्स तो नहीं एक्सेस करनी थी, आपने तो उसकी 10 नंबर लोकेशन एक्सेस करनी थी, तो वो 10 इसके साथ कंकैटिनेट हुआ, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ये हम इसको बाइनरी में जो भी कन्वर्ट करके बनेंगे कि वो 100 नंबर वाले पेज की 10 नंबर वाली लोकेशन बन जाएगी,
ठीक है, और ये उस जगह पर एक्सेस हम कर रहे हैं। अच्छा, ऑब्वियसली आपको फिजिकल पेज नंबर चाहिए एक तो पेज टेबल के अंदर, उसके अलावा आपको बिट्स चाहिए कुछ, मिसाल के तौर पर क्या ये पेज राइटेबल है या रीडेबल है। ठीक है, मिसाल के अगर प्रोग्राम है तो इट शुड बी ओनली रीडेबल, अगर आपका डाटा है तो वो राइटेबल भी होगा, और बाज़ का इसके अलावा भी बिट होती है एग्जीक्यूट की कि क्या ये एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा वैलिड की बिट होगी कि क्या इसके अंदर इस वक्त वैलिड पेज नंबर पड़ा भी हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, अच्छा फिर एक और चीज़ ये होती है, हम बाद में जाके इसको पढ़ेंगे, कि आपका पेज हो सकता है कि मेमोरी में ना पड़ा हो, डिस्क में पड़ा हो। ठीक है, क्योंकि आपका जब मेमोरी कम होती है, पड़ी होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उधर से पेज को उठा कर डिस्क में ले जाता है। ठीक है, तो उस केस में इसके अंदर पड़ा होगा कि डिस्क का पेज नंबर क्या है। ठीक है, फिर आपके इधर फिजिकल पेज, फिर इधर आपने कोई बिट सेट की होगी कि ये वाला पेज इधर अवेलेबल नहीं है, बट इसका डिस्क में पेज नंबर ये है, तो फिर वो जाके अगर आप किसी ने इस पेज को एक्सेस किया तो आप मेमोरी में आएंगे, पेज को एक्सेस करने के ये बताएगा कि नहीं अवेलेबल, तो आप कहेंगे भाई ये वाले प्रोग्राम को रोक दो, ये तो डिस्क से फैच करके लाना है, तो आप ये वाला डिस्क पेज नंबर फैच करके लाएंगे, जब मेमोरी में आ जाएगा तो प्रोग्राम को रिज्यूम करेंगे। ठीक, तो उस केस में ये डिस्क पेज नंबर, हाँ फिर जो सबसे आपने कम यूज़ हो रहे थे आप उनको उठा कर डिस्क पे ले जाएंगे, लेकिन वो जो कम यूज़ हो रहे थे थोड़ी देर बाद कोई उनको भी यूज़ करेगा ना, कभी जब वो करेगा तो उसको इधर जाके पेज टेबल में क्या मिलेगा कि ये तो नहीं पड़ा हुआ है इधर, ये तो डिस्क पे पड़ा हुआ है, तो डिस्क में कहाँ पड़ा है वो इसके अंदर लिखा होगा, फिर आप जाकर डिस्क उठा लेंगे। वो एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट कर रही होती है कि रैम आपकी फुल हो गई है। ठीक है, तो अब आपका आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्क पर भेजनी पड़ रही, और डिस्क हमने कहा है कि बहुत स्लो होती है, मिली सेकेंड्स में टाइम लेती है, सदियाँ हैं प्रोसेसर के लिए। ठीक है, सदियाँ तो नहीं कहना चाहिए, यानी कि मिलियंस ऑफ साइकिल्स, ठीक है, तो स्लो हो जाएगा, सो दैट मीन्स कि आपको उस पर अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो एक तो ये चीज़ आ गई कि ये पेज टेबल काफ़ी बड़ा लग रहा है देखने में, अगर आप देखें कि अगर ये मैं इसकी एंट्रीज 2^20 रखूँ, यानी कि 1 मेगा रखूँ, तो ये तो पेज टेबल ही बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये ख़ुद भी मेमोरी में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप एक्चुअल में क्या करेंगे, आपने मेमोरी लोकेशन एक्सेस करनी थी, लेकिन उससे पहले आप एक पेज टेबल की एंट्री के लिए मेमोरी लोकेशन एक्सेस करेंगे, वहाँ से आएगा पेज नंबर, उससे आप दोबारा मेमोरी एक्सेस करेंगे, वहाँ से आपके पास डाटा आएगा, तो ये आपके पास थोड़ा सा स्लो प्रोसेस बन गया। ठीक है, ये समझ आ रही है ना स्लाइड की क्या हो रहा है, पहले पेज टेबल हमने दरमियान में शो किया हुआ था, लेकिन असल में तो वो मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो यहाँ से जब एड्रेस आया तो आप पहले पेज टेबल पे गए, वहाँ से आप मेमोरी पे गए, तो आपको 2 मेमोरी एक्सेस हो गई। अब ये जो है ना, ये इसकी 2 मतलब हैं, एक ये है कि 2^20 अगर पेज टेबल एंट्रीज चाहिए हमें, तो इसका मतलब है, और अगर एक एंट्री में 32 बिट की लगाऊं, तो ये 4 मेगाबाइट एक पेज टेबल बनता है। अगर 30-40 प्रोग्राम चल रहे हैं तो ये तो अच्छा भला 30-40 × 4 मेगाबाइट हो जाएगा। ठीक है, और 30-40 × 4 मेगाबाइट एक सिग्निफिकेंट सी स्पेस हो जाएगी जो मेमोरी की आपने एक्सेस सिर्फ पेजिंग सपोर्ट करने के लिए एलोकेट कर दी, इतना ज़्यादा मेमोरी हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर आप इसको हल करना चाहें तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप पेज का साइज़ बड़ा कर दें, पेज का साइज़ बड़ा कर देंगे तो ये पेज नंबर कम हो जाएगा, तो आपके पेज टेबल का साइज़ कुछ कम हो जाएगा, लेकिन पेज का साइज़ अगर मैं बढ़ा दूंगा तो फिर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि मुझे 1K भी चाहिए था तो मुझे 16K एलोकेट, लेट्स मैं पेज का साइज़ कर दूँ 16K, मुझे 1K भी चाहिए होगा तो 16K जगह करनी पड़ेगी, तो वो बाकी की जगह ज़्यादा जा रही होगी, ये भी ठीक चीज़ नहीं है। वर्ड अबाउट कि अगर मैं 64-bit प्रोसेसर और 64-bit की वर्चुअल एड्रेस पे सुनूँ, तो फिर तो हमारा टेराबाइट में चला जाएगा स्टोरेज। ठीक है, जो कि हमें जो सिर्फ पेज टेबल को स्टोर करने के लिए चाहिए, तो एक्चुअल मेमोरी को जो करना था वही ख़त्म कर दिया आपने सिर्फ पेज टेबल स्टोर करने में, तो इसको क्या करें। ठीक है, सो इसमें फिर जो सेविंग ग्रेस है हमारी, किस तरह बचे जो हमने ये काम किया है, हमने तो फ्रेगमेंटेशन रिमूव करने के लिए पेजिंग इंट्रोड्यूस कर दी थी, लेकिन पेजिंग के लिए पेज टेबल इतना बड़ा बनना शुरू हो गया, तो उसका जो सलूशन है वो है स्पार्स, वो ये है कि वो है मल्टी लेवल पेज टेबल। उसमें हम ये करते हैं कि यार आप बनाते तो इस हिसाब से ही हैं पेज टेबल कि आप
लेट से 32 बिट का एड्रेस दे रहे हैं या 64 बिट का एड्रेस दे रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रोग्राम को वो पूरे 4 GB स्पेस चाहिए नहीं होती। अगर 32 बिट का एड्रेस है तो वो 4 GB स्पेस, इसका मतलब है असल में आप उसमें से कुछ कुछ जगहों को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको असल में कुछ पेजेस ही चाहिए होते हैं, ठीक है, कभी 10, कभी 20, कभी 40, कभी 50, लगे आप असल में 10, 20, 40, 50 पेजेस चाहिए होते हैं। तो उनके लिए आप पूरे का पूरा पेज टेबल पहले से ना बना के रखें, आप उसके बजाय क्या करें, आप उसके बजाय मल्टी लेवल पेज टेबल बना, ठीक है। मल्टी लेवल पेज टेबल का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कहते हैं कि जो आपको सीपीयू से एड्रेस आया ना, उसकी आप कुछ बिट्स यूज़ करते हैं लेवल 1 पेज टेबल में जाने के लिए। लेवल 1 पेज टेबल जो है ना, उसमें एड्रेस होता है लेवल 2 पेज टेबल का, इसमें मेमोरी का एड्रेस नहीं होता बल्कि लेवल 2 पेज टेबल का एड्रेस होता है। मिसाल के तौर पर ये मेरा 32 बिट का एड्रेस था, 12 बिट तो आगे ऑफसेट में 4K का हमने ज्यूम किया हुआ है, 10 बिट लेवल 1 पेज टेबल के लिए रख दी, 10 बिट लेवल 2 पेज टेबल। अच्छा, इधर से हम गए लेवल 1 पेज टेबल में, इसने बताया कि लेवल 2 पेज टेबल किधर पड़ा है और उसके अंदर फिर फिजिकल एड्रेस पड़ा हुआ, बाकी की 10 बिट से आप लेवल 2 पेज टेबल में गए। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है, क्यों हम मल्टीपल लेवल पेज टेबल बना रहे? फायदा ये है कि आप लेवल 2 पेज टेबल सारे नहीं बनाते, आप शुरू में क्या करते हैं, लेवल 1 पेज टेबल बनाते, ठीक है, और जितने जितने आपको पेजेस लेवल 2 के चाहिए होते हैं आप सिर्फ वही बनाते हैं, ठीक है। अगर आपके प्रोग्राम को 16 के जगह चाहिए थी तो उसको 4-5 पेजेस चाहिए थे, आपने लेवल 1 में कहा ये इसका पेज टेबल है, अब ये जो है ना, ये आपके ठीक ठाक बड़ी स्पेस को एड्रेस करने की सलाहियत रखता है, एक पेज इधर है, एक पेज इधर है, 10 बिट्स है ना, तो इसमें 1000 पेजेस जो है ना इस पेजेस के अंदर आ सकते हैं, 1024 पेजेस आ सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। फिर इसी तरह अगले वाले लेवल 2 पेज टेबल में भी 1024 पेज आ सकते हैं, अगले वाले में भी 1024 पेजेस आ सकते हैं। तो लेवल 2 पेज टेबल्स जो है ना, आप सारे के सारे क्रिएट नहीं करते, आप सिर्फ उतने क्रिएट करते हैं जितने आपको रिक्वायर्ड होते। अब उसका क्या फ़ायदा हुआ कि ये खुद भी 4K के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये 10 बिट्स थी, 1024 लोकेशन है, 32 बिट की एक हो तो ये 4K किलोबाइट्स ही बन जाती है। तो ये भी एक पेज के अंदर पूरा आ गया, ये भी एक पेज के अंदर पूरा आ गया, और ये आपने एक्चुअली 4-5 पेजेस यूज़ किए पेज टेबल के लिए, उसके अलावा आपको पेज टेबल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एट द कॉस्ट ऑफ कि आपको पहले इस पेज टेबल में जाना पड़ेगा, फिर इससे इस पेज टेबल में जाना पड़ेगा, फिर जाके एड्रेस बनेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल पेज टेबल, हर आर्टिकल पेज टेबल। अच्छा, यहाँ पर हम रुकते हैं, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये मेमोरी वाले सेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ये ख़त्म हो गया तो इसके ख़त्म होने तक का कोर्स होगा, अगर डिस्टेंट लर्नर्स को जा सकती हैं स्लाइड्स, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट क्लास में हम आधा को घंटा जो है ना वो असाइनमेंट के सोल्यूशन या क्विज़ के सोल्यूशन के ऊपर, असाइनमेंट के सोल्यूशन पर रखेंगे प्राइमरीली, ठीक है। और कुछ हम मेमोरी के क्वेश्चंस भी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका अभी तक आपको असाइनमेंट नहीं मिली या कोई क्विज नहीं मिला, तो ताकि आप पेपर के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं, इसको जाकर पॉज के कर दें, अगर किसी से पता हो कॉन्सेप्ट।